long years ago we made a tryst with destiny and now the time comes when we shall redeem our pledge india will awake to life and freedom सास पीछे सारे मंत्र और रटले सारे फॉर्मूले जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले तो इस बार तू आड़ दे छह फुट अंदर गाड़ दे आसमां को फाड़ दे जोर से दहाड़ दे अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है जोर लगा तो जोर लगा लड़ जरा कुछ कर दिखा लड़ जरा कुछ कर दिखा जोर लगा तो जोर लगा लड़ जरा कुछ कर दिखा तू काने है बड़ी इनकी भोगे बड़ा भारी है बीका है भगवान इनका शिक्षा के व्यापारी है बहुत ज्यादा है तू बाकी से पीछे है तू देख कितना नीचे है उसके बाप का सिक्का चलता है तेरे बाप को आता सिक्के मत सुनेंगी ये धुनेंगी तू बढ़ता जा बस लड़ता जा क्रैक करते जा क्रैक करते जा जोर लगा तू जोर लगा लड़ जरा कुछ कर दिखा जा, लड़ जा, लड़ते हिम्मत नहीं हार सबको करके दिखा क्या तेरा तेरा दोस्त बोल रहा लड़के दिखा, लड़ दिखा।, लड़ दिखा।, कर कर दिखा। नमस्कार साथियों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है बैंकर वे पर मेरा नाम है अरुण सिंह रावत आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूँ जबरदस्त स्वागत जी हाँ सेशन को कीजिए शेयर ज्यादा से ज्यादा बुला लीजिए लोगों को अपने आस पड़ोस के मोहल्ले रिश्तेदारों को सबको यह वीडियो शेयर कर देना फेसबुक पे अपने इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे शेयर कर दो साथियों आप लोगों की डिमांड तो मैंने टॉपिक पूरा पढ़ाने का वादा आपको कल किया था कल रात और आप देख सकते हो बहुत सारे लोग यहां पर आ चुके हैं हमारे बीच में दो घंटे तक मैं कहूंगा कोई हिलना मत आज असल महीने में पता चलेगा कौन कितना सीरियस है जो बच्चा सीरियस है वो दो घंटे पढ़ेगा अब चाहे वो नौकरी कर रहा हो कुछ भी कर रहा हो आज फ्राइडे है हो सकता हो सकता है कल बहुत लोगों की छुट्टी हो क्योंकि कल तारीख क्या है उन्नीस उन्नीस तारीख है ना कल नहीं कल बीस तारीख है हाँ तो छुट्टी नहीं होगी तो कोई बात नहीं आज कोशिश करना दो घंटे पूरे पढ़ना है हिलना नहीं है ठीक है जगह से नहीं हिलना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है यार और नौ से ग्यारह का ही टाइम क्यों चुना अब मैं आपको बताता हूं एक गाना मेरे दिमाग में आ रहा था बहुत है और बहुत प्रचलित गाना है कि तंटन टारा है ना चलती है क्या नौ से ग्यारह तो ये नौ से जो ग्यारह चलना नहीं है कहीं नौ से ग्यारह तो गाना चेंज हो जाएगा टन टना टन तंटन टन टन टारा पढ़ना है क्या नौ से ग्यारह तो वही आज हम लोग पढ़ेंगे नौ से ग्यारह और जिस टॉपिक का मैंने जिक्र किया है वो है प्रॉफिट लॉस लाभ और हानि तो ये टॉपिक ऐसा है अब देखो है ना ये टॉपिक ऐसा है कि मतलब बच्चों को परेशान करता है लेकिन आज इसको हम परेशान करेंगे टॉपिक को दो घंटे इतना पढ़ेंगे इतना पढ़ेंगे ये इत टॉपिक खुद परेशान हो जाएगा अच्छा नौ से बारह है वो अरे सॉरी मुझे लगा नौ से ग्यारह अच्छा वो नौ दो ग्यारह होता है ना ठीक है नौ से बारह सॉरी अब तुम देख सकते हो कि मेरे को गाने भी याद नहीं होते तो तुम समझ जाओ कि मतलब कितना इंटरेस्ट है मुझे गानों में है ना बहुत बुरा हाल है गानों में मामले मेरा आ जाओ वो देखो मुझे नौ से अभी बताया किसी बच्चे ने नौ से बारह और मुझे लगा नौ से ग्यारह कोई बात नहीं तो बेसिकली सबसे पहले तो भाई इसके बच्चे जाओ अगर आपकी रैंक आ जाती है सौ में आपको कुछ पैसे मिलते हैं लगा लेना भाई अगर आपको ना जरूरत हो पैसों की तो मुझे दे देना मैं आपकी पैसे किसी और को ट्रांसफर कर दूंगा जिसको जरूरत होगी ठीक है चलो आ जाओ तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ और हानि यार ये बहुत परेशान करता है टॉपिक ठीक है उससे पहले तो मैं कहूंगा कि कल संडे भी है कल संडे का मैंने जबरदस्त प्लान बनाया है बहुत बहुत अल्टीमेट प्लान स्पेशल क्लासेस में बहुत सारे टेस्ट तो नहीं होंगे लेकिन हां मजा आएगा ठीक है तो मेरा नाम है अरुण सिंह रावत काफी समय से मैं बैंक एग्जाम्स को डील कर रहा हूं और बहुत सारे वीडियो सब बेकार की बातें आगे चलते हैं सीधे और सीधे चलते हैं हम लोग आगे और जैसे कि आप लोग जानते हो कि प्रॉफिट लॉस के अलावा संडे ये वाली टाइमिंग में, में बताऊंगा कि मेरी क्लास कल कब कब होगी कल सुपर संडे स्पेशल क्लास की टाइमिंग में, में बताऊंगा ये कहां होती है पर आप मुझे फॉलो कर लेंगे मेरा नाम और सर्च करेंगे अरुण सिंह रावत है ना बहुत अच्छा नाम है बहुत अच्छा नाम है मतलब आपको सर्च करने में भी दिक्कत नहीं होगी ट्रेंडिंग पर रहता है हमेशा नाम ये अच्छी बात है चलो आ जाओ बात करते हैं लाभ और हानि अब होगा हमको क्या क्या परेशानी चलो लाभ और हानि यार देखो सैटरडे आज कहाँ दिमाग है मेरा चलो कोई बात नहीं तो देखिए हम लोग बात करेंगे लाभ और हानि कई बार मैं इस पर बात कर चुका हूं लेकिन आज बात नहीं करेंगे आज सवाल भी करेंगे ठीक है प्रॉफिट और लॉस हिंदी में इसका मतलब होता है लाभ और हानि अच्छा बोर्ड पे पढ़ने का काफी मजा आता है दो घंटे आज मेरी पहली दो घंटे मैराथन की मेरी पहली क्लास है आज और ऐसी मैं रात रात में टॉपिक लेके आता रहूंगा हर सैटरडे हर फ्राइडे एक टॉपिक लेके आऊंगा आपके लिए जैसे इस फ्राइडे हम लोग क्या कर लेंगे ये वाला टॉपिक टॉपिक कर लेंगे अगले फ्राइडे में एक और ले आऊंगा जो आपका लाभ और हानि लाभ 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 कब कब होता होता है होता है देखिए तभी लाब के सेंस अलग अलग है जैसे मान लो कुछ लोगों को ऐसे भी लाभ हो जाता है कि क्लास करने आ गए कुछ फ्री में मिल गया तो लाभ हो गया लाभ यहां पे जो वर्ड है ना वो इस एंगल से मत देखना जो आप देखते हो अलग एंगल है यहां देखने का हम यहां पर लाभ और हानि बात करेंगे सामान को खरीदने में और सामान को बेचने में ठीक है वरना एक बच्चे का कहना है सर लाभ लाभ तो नहीं होता लेकिन जीवन में हानियां बहुत होती हैं अब पता चला किसी को चोट लग गई वो भी लोग बोलते हैं ना हिंदी में अरे तुम्हें कोई हानि हुई है तो वो अलग हानि है ठीक है उस हानि का इस हानि से कोई लेना देना नहीं है ठीक ये हानि जो लाभ है वो बेचने खरीदने वाली है यानी कि जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं मतलब बाय करते हैं या परचेस करते हैं ठीक है हम जब किसी वस्तु को खरीदते हैं बाय करते हैं परचेस करते हैं तो जिस कीमत पर वो खरीदा जाता है वो कहलाती है उसकी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य ठीक है मैंने क्या कहा जिस वस्तु को जिस कीमत पर खरीदा जाता है सपोज कीजिए मेरा फोन है मैंने क्या किया इस फोन को खरीदा दुकान पे गया मैंने कहा भैया फोन चाहिए मैं उसने कहा ठीक है ले लो मैंने फोन जिस कीमत पर मैंने खरीदा वो कहलाती है कॉस्ट प्राइस यानी कि सी और पी सी मतलब कॉस्ट पी मतलब प्राइस क्रय मूल्य हिंदी में बोलते हैं जिस कीमत पर आपने उसको बेचा अब मेरा फोन इस फोन, मेरा मन भर गया इस फोन से कोई खरीदना चाहता है बता देना मैं बेच दूंगा ठीक है तो मैंने कहा जिस कीमत पर मैंने बेचा मैंने सेल किया वो कहलाती है सेलिंग प्राइस अब हम बात करेंगे इसी मोबाइल की ठीक है सुनते रहो ध्यान से तो ये फोन मैंने खरीदा इस फोन को मैं आपको बेच रहा हूं जो जो है बोली लगा लेना कितने का चाहिए तो जिस कीमत पर खरीदते हैं है, है। है जैसे कि मान लीजिए मैंने फोन खरीदा नब्बे हजार का अस्सी हजार का और आपने कहा सर मैं तो इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा आप मुझे दे दो दस हजार का यानी क्या हो रहा है जो बेच रहा हूं वो कम है या आपने कहा सर आपने अस्सी हजार का खरीदा क्योंकि आपका ये फोन है तो मैं इसके एक लाख दूंगा क्योंकि आपका फोन है और का होता तो तो मैं मैं नहीं देता लेकिन आपका फोन है आप बड़े अच्छे मेरे स्टूडेंट हो तो आपने कहा सर लाख का खरीदूंगा तो अगर एसपी ज्यादा से तो हमेशा प्रॉफिट होगा अच्छा प्रॉफिट होगा किसको जो बेचेगा जो बेचेगा उसको प्रॉफिट ऐसे नहीं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट मुझे हो रहा है अगर मैंने कहा एसपी छोटा है सीपी से तो लॉस होगा यानी आपने ये कहा सर बहुत सिंपल और बहुत सरल भाषा में अगर मैं इसको समझूं कि जब बेचने वाली कीमत ज्यादा है तो लाभ बेचने वाली कीमत कम तो हानि नुकसान है ना हर आदमी नुकसान कोई नहीं चाहता हर आदमी लाभ कमाना चाहता है अपने जीवन में तो मैंने क्या कहा आपको कि अगर एसपी बड़ा है सीपी से तो प्रॉफिट तो यहीं से आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया सर कि प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी क्योंकि एसपी बढ़ाए है लॉस क्या हो जाएगा सीपी माइनस एसपी क्योंकि लॉस में कौन बढ़ाए लॉस में कौन बढ़ाए सीपी तो आप याद रखो अगर लॉस हो रहा है तो सीपी बढ़ा है एसपी से और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी बढ़ा है सीपी से ऐसे याद रखो अब ये सर बड़े छोटे का क्या गेम है ये बड़े छोटे का जो गेम है वो मैं समझाऊंगा जब सवाल आएगा कि ये क्या गेम चल रहा है इसका तो आप अभी फिलहाल के लिए अपनी मेमोरी में, में इसको डाल लो कहीं ऐसा ना हो आपका मेमोरी कार्ड पहले से भरा हो तो अपने मेमोरी कार्ड को पहले तो फॉर्मेट मान लो तभी ये सब अंदर जाएगा स्टोर होगा तो लॉस कब होगा जब सीपी बढ़ा प्रॉफिट कब होगा जब एसपी पी बढ़ा तो प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी क्योंकि एसपी पी बढ़ा है लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एस क्योंकि सीपी है इतना समझ आ गया ठीक है बहुत सवाल बच्चे बहुत बढ़िया अब सुनो प्रॉफिट लॉस के अलावा भी जो कि क्वेश्चन आता है वो आता है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट हिंदी में बोलते हैं लाभ प्रतिशत लाभ प्रतिशत या फिर आनी प्रतिशत अब हानि और लाभ प्रतिशत जो होते हैं यानी परसेंटेज अच्छा आप में से मैंने बहुत लोगों को परसेंटेज पढ़ाया होगा तो मैंने आपसे कहा होगा कि जो भी परसेंटेज होता है वो किसी एक बेस वैल्यू पे कंसीडर किया जाता है एक बेस वैल्यू पे तो याद रखना है आपको कि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट ऑलवेज काउंट ऑन कॉस्ट प्राइस ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लिया जाता है हमेशा यानी आपने यह कहा कि जैसे प्रॉफिट परसेंट है क्या हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू सौ हमेशा सीपी पे काउंट होगा हमेशा हमेशा मतलब ऑलवेज लॉस परसेंट लॉस अपॉन में सीपी इंटू सौ डन कि भाई प्रॉफिट परसेंट हो तो जितने का प्रॉफिट हुआ वो सीपी पे कैलकुलेट कर लो जितना लॉस हुआ सीपी पे सौ प्रॉफिट सीपी सो लॉस सीपी सो अप, थम्स अप अंगूठा ऊपर यही तो मैंने आपसे कहा ना कि भाई प्रॉफिट परसेंट जो होगा जितने का प्रॉफिट हुआ वो सीपी पे इनटू में सौ लॉस परसेंट जितना लॉस हुआ सीपी पे इनटू सौ डन बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म सच बता रहा हूं अगर जिसकी समझ में आ गया पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म है अरे बोल दो यार है ना मैंने क्या प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट अब आप थोड़ा सा ना अपनी आंखों को और खोलो थोड़ा सा थोड़ा सा ज्यादा मत खोलना वरना बड़ी हो जाएंगी आंखें प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन सीपी अगर कोई चीज प्रतिशत में गिवन है कोई चीज अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में गिवन है सपोज कीजिए मैंने कहा कि प्रॉफिट इज 25% इसका क्या मतलब हो रहा है इसका मतलब है कि 1/4 अगर 25% परसेंट का मतलब एक चौथाई ना तो नीचे वाला क्या होता है सीपी कितने का प्रॉफिट तो आपने कहा सर सीपी तो चार है प्रॉफिट एक है और एसपी बड़ा होता है ना तो चार और एक पांच बराबर मैंने कहा लॉस हो रहा है मैंने कहा लॉस हो रहा है सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंट का लॉस हो रहा है तो क्या मतलब हुआ इसका इसका मतलब होता है एक बाई ठीक है बच्चे यानी सीपी छ होगा एक का लॉस हो रहा है तो आपने कहा सीपी अगर छह रुपए तो जो लॉस हो रहा है वो एक का है तो एसपी कितना रुपए अब अब फिर वही बात कि लॉस के केस में एसपी छोटा होता है तो छ में से एक गया पांच ये दोनों बातें समझ में आ गई बोलो यार Now, बहुत सारे लोग जो हैं इतना जानते हैं मतलब ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा ये भी ना जानता हो है ना अब अगर आप ये जानते हो तो बहुत मुझे खुशी क्योंकि आप आप सारे सवाल उड़ाओगे ग्यारह बजे तक के अगर आप ये जानते हो कि आपको ये समझ में आ गया अब पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला सवाल देखिए उड़ाओगे आप मेरे साथ एक टाइप राइटर है कौस्ट। कौस्ट मतलब कीमत टाइप राइटर की कॉस्ट बारह सो रुपए है तो बारह सो क्या है उसकी कीमत है मतलब सीपी कितना है बारह सो इट इज सोल्ड एट इतना परसेंट लॉस इसकी कीमत वैल्यू कितनी होती है एक बटे बारह अब आपको कैसे पता चला मुझे तो पता नहीं था आपको कैसे पता चला देखिए अगर आपको याद नहीं है सर कोई परेशानी वाली बात नहीं है अगर आपको याद नहीं है तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए आठ तीन चौबीस और एक पच्चीस बटे परसेंट पच्चीस बटे का मतलब पच्चीस बटे परसेंट का मतलब बटे में सौ पच्चीस से मैंने काटा चार एक बटे क्योंकि हमको लॉस हो रहा है तो ये मेरा सीपी है इतने का मुझे लॉस हुआ तो मैंने आपसे क्या कहा कि सीपी मेरा 12 रुपए है एक रुपए का लॉस हुआ तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई बेटा 11 सही है बोलो हाँ या ना कुछ तो बोलो तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ इट सेलिंग प्राइस अब देखिए बहुत सिंपल है तो आपने क्या कहा बारह की वैल्यू बारह सो एक की वैल्यू सो दिस इज इक्वल टू ग्यारह डन

चला गया मारकर ये वाला आंसर कर लोगे ना ग्यारह ही कम ग्यारह फिर कितना हुआ टेन फिर ये तो ग्यारह से जीरो इलेवन नाइन जा तो अप्रोक्सीमेटली वन हंड्रेड नाइन परसेंट समझ आ रहा है प्रॉफिट लॉस ठीक है नेक्स्ट बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल क्या निकालना है क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस हो क्या रहा है हो क्या रहा है प्रॉफिट हो रहा है और क्या गिवन है सोल्ड यानी एसपी गिवन है प्रॉफिट परसेंट गिवन है सीपी निकालना है आ जाओ थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट का मतलब ठीक है किस पे काउंट होता है हमेशा सीपी पे तो प्रॉफिट हो रहा है आपने कहा सीपी मेरा आठ रुपए है प्रॉफिट हुआ मुझे तीन का तो मेरा एसपी कितना हो गया बेटा ग्यारह और एसपी की वैल्यू दे रखी है उसने ऑलरेडी तो आपने क्या कहा एसपी कितना गिवन ग्यारह तो ग्यारह किसके बराबर है फाइव जीरो फोर जीरो बेस्ट बराबर फाइव जीरो फोर जीरो अपॉन ग्यारह और इन टू आठ निकालना है जो भी अप्रोक्सीमेटली पॉइंट में आ रहा होगा हालांकि बट दिस इज द तरीका विल चेंज योर सलीका हाउ मेनी ऑफ यू

आठ निकालना है इंटू आठ डन अब ये मत कहना सर ये डिविजिबल नहीं हो रहा है तो वो एक्चुअल में कहना है कि नंबर इस तरीके से फ्रेम हैं वो कि वो डिविजिबल होना उससे कोई मतलब नहीं हमें हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है नो दिक्कत नो प्रॉब्लम नो परेशानी आ रहा है आपको लाभ और हानि नो दिक्कत है ना नो प्रॉब्लम नो परेशानी समझ में आ रहा है हानि चलो अगला सवाल देखिए पहले आप पढ़िए एक वस्तु है एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है इसे उस मूल्य के दो बाय तीन पर बेचकर व्यक्ति दस परसेंट खो देता है खो का मतलब है लॉस इसे मत समझना खो क्या समझो क्या खो रहा है वो लॉस तो मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए अब सवाल थोड़ा टेढ़ा है कि बाय सेलिंग अगर मैं दो तिहाई पे बेच रहा हूं तब लॉस हो रहा है तो गेन परसेंट एट ओरिजिनल प्राइस चलो अभी इसको समझ, इसको थोड़ा समझाऊंगा तो अभी पहले पहले इससे कॉन्सेप्ट और देता हूं फिर समझाऊंगा इस पर अभी वापस आऊंगा पहले इसको देखो क्योंकि मुझे पता है तुम अटकोगे फिर पहले सवाल में पहले इसको देखो ये वाला देखो उस वाले पे अटकोगे अभी रुक जाओ आऊंगा ध्यान रखना कि क्वेश्चन छुड़वाया सर ने कॉस्ट प्राइस ऑफ टू बैग भाई दो बैग है हमारे पास दो थैले हैं एक थैला दो थैला इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो की अच्छा एक बात और याद रखना मैं बताना भूल गया एक बात और याद रखना प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट डिपेंड करता है सीपी और एसपी के रेशियो पे ना कि वैल्यू पे अगर आपको सीपी एसपी का रेशियो गिवन है तो आप प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट बता सकते हो अगर रेशियो गिवन है अब जैसे ये वाला सवाल है कि दो दो बैग हैं तो मान लो ये चार पांच मान लो ये चार सौ रुपए इसकी कीमत है, इसकी पांच सौ रुपए तो ये क्या है इनकी कीमत दीज बैग आर सोल्ड इतना प्रॉफिट इतना प्रॉफिट अगर इस पर दस परसेंट का प्रॉफिट हुआ इसका दस परसेंट कितना होता है चालीस रुपए का प्रॉफिट हुआ तो आप चार सौ चालीस का बेच रहे हो ये इसकी एस पी हो गई दूसरे वाले पे बीस परसेंट का प्रॉफिट हुआ तो इसका बीस परसेंट हमेशा सीपी पे निकलता है सौ रुपए का प्रॉफिट हुआ तो आप छह सौ का बेच रहे हो फिर क्या पूछ रहा है? एंटायर बताइए तो टोटल सीपी कितनी हो गई चार और पांच नौ सौ टोटल एसपी कितना हो गया चार और छह दस एक हजार चालीस तो बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ 140 का 900, सौ एक हजार चालीस एक सौ चालीस का हुआ किस पे काउंट होगा सीपी पे 900 पे जीरो से जीरो अब 140 को 9 से भाग करना है तो 140 को 9 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा नौ कम नौ चौदह में से नौ गया पांच पचास नाइन फाइवी फाइव और पांच बटे नौ परसेंट अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है ना मैंने क्या कहा था कि अपने दिमाग की मेमोरी को फॉर्मेट कर लो बड़े अच्छे से स्टोर हो जाएगा दो घंटे में आप पूरा प्रॉफिट लॉस करोगे और कल इस पर टेस्ट भी होगा ऐसा नहीं कि आपको पढ़ा के छोड़ दूंगा एक टेस्ट भी लूंगा ताकि आपको कितना समझ आया तो आपने क्या कहा 400-500 मान सकते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि कहां से मान लिया चार हजार पांच हजार भी मान सकते थे आप तो याद रखना कि जब भी क्वेश्चन परसेंटेज का है यानी कि परसेंटेज निकालना है तो आप कुछ भी मान सकते हो हमेशा सीपी पर ही क्यों काउंट करते हैं यार यार एक बात बता मैंने कोई चीज खरीदी फिर मैं आपको बेच रहा हूं तो मुझे यह चीज कैसे पता चलेगी कि मुझे नुकसान हुआ कि फायदा जब मुझे यह पता होगा मैंने कितने का खरीदा कॉमन सेंस यार चलो नेक्स्ट अगला सवाल खुद से करोगे कि दो मोटरसाइकिल की कीमत बराबर है एक को पंद्रह पे और दूसरे को अड़तालीस हजार ज्यादा पे बेच रहा हूं पहले से तो बीस का प्रॉफिट हुआ कॉस्ट प्राइस बताइए चलो ट्राई करो आप एक बार खुद से ट्राई करो नहीं आएगा तो मैं हूं यहां पर बैठा हुआ आपके साथ चलो बनाओ जाओ सर देखो थोड़ा दिमाग को सोचना दो कीमतों की कॉस्ट प्राइस सेम है है तो दो मोटरसाइकिल पहली मोटरसाइकिल और दूसरी मोटरसाइकिल तो आप ऐसा समझो थोड़ा लॉजिक समझना कि मान लो पहली मोटरसाइकिल भी सौ रुपए की है सौ एक्स मान लो चाहे तो दूसरी भी मैंने कहा सौ एक्स कोई दिक्कत किसी को सौ सौ रुपए की है तो दोनों की कीमत कितनी हो गई कंबाइन होके दोनों की कीमत हो गई टू हंड्रेड एक्स पॉइंट क्लियर बराबर अच्छा पहले वाले को पंद्रह परसेंट पे बेच रहा हूं तो पंद्रह परसेंट मतलब कितने का बेच रहा हूं सर सो एक्स पे पंद्रह परसेंट का लाभ हुआ मतलब पंद्रह रुपए का लाभ हुआ पंद्रह रुपए का लाभ हुआ बच्चे एक सौ पंद्रह एक्स का बेच रहा हूं दूसरे वाले को कितना ज्यादा बेच रहा हूं अड़तालीस सौ रुपए ज्यादा अब ऐसे मत करो आप ऐसे खराब हो जाएगा गेम आप यह समझो कि वन इज सोल्डेड पंद्रह परसेंट अदर को इतना ज्यादा तो नेट प्रॉफिट आपको बीस का हुआ आप यह समझो कि नेट प्रॉफिट कितने का हुआ नेट प्रॉफिट बीस का हुआ तो अगर आपकी जो ये टोटल सीपी है ये आपकी टोटल सीपी है तो इस पर अगर मुझे बीस परसेंट का प्रॉफिट चाहिए तो चालीस रुपए का यानी टू फोर्टी एक्स का बेच रहा हूं ये आपकी आ गई टोटल एसपी आया ना बोलो कि भाई 100 और 100 दो 200 दो पे बीस का प्रॉफिट हो रहा है तो बीस परसेंट यानी चालीस रुपए का दो सौ चालीस अच्छा 240 में से 115 सौ यहां चले गए तो अब यहां पर कितने की जरूरत और है 15 और 25 यानी यहां पर 125 की जरूरत और है तभी तो इसका सम मिला के बनेगा लॉजिकली एवरीवन फास्ट 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 कि आपने क्या कहा पहली कीमत आपकी सौ रुपए थी दूसरी भी आपकी सौ रुपए थी तो दोनों की कीमत हो गई दो सौ मैंने कहा यहां पंद्रह परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है तो एक सौ पंद्रह का बेच रहा हूं यहां पे मुझे कुछ पता ही नहीं था तो छोड़ दिया मैंने यहां पे पूरा बीस परसेंट का हो रहा है तो चालीस मतलब टू फोर्टी अब टू फोर्टी में से एक सौ पंद्रह तो ये मिले तो एक सौ पच्चीस होगा तो ये इससे कितना ज्यादा है ये बताओ ये इससे कितना ज्यादा है दस एक्स तो उस दस एक्स की वैल्यू कितनी है अड़तालीसो तो एक्स बराबर कितना हो गया चार सो अस्सी तो आपको क्या पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मोटरसाइकिल तो एक कीमत कितने की अड़तालीस चार सौ अस्सी में दो जीरो और लगा दो अड़तालीस हजार आगे समझ अब कुछ लोग बोल रहे हैं इसको एक तरीका और भी होता है इसका मेथड ऑफ एलिगेशन वो बता देता हूं क्या होता है एलिगेशन में क्या है कि पहला और दूसरा पहले वाले में पंद्रह का प्रॉफिट हुआ दूसरे वाले में एक्स का हुआ तो 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 ओवरऑल तो से पंद्रह गया पांच तो यहां पर आ गया पांच एलिगेशन के हिसाब से है ना तो यहां पर भी पांच ही होना चाहिए तो अब इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं अब इसमें से इसको करूंगा तो ये पच्चीस हो जाएगा सीधा सीधा पच्चीस में से बीस गया पांच तो इसका मतलब दूसरे वाले पे कितना प्रॉफिट हो रहा है पच्चीस परसेंट सीधा सीधा बेस्ट तो आप एलिगेशन से भी कर सकते थे बट एलिगेशन से ज्यादा आसान आपको ये पड़ जाता है ये ये वाला जो मेथड है ये बहुत जगह काम आएगा और आपको मजा भी आएगा सही है कुछ नहीं कहा मैंने मैंने शॉर्ट ही बताया मैंने आपको कि भाई पहले वाले की कीमत सौ रुपए सौ रुपए तो दो सौ रुपए कीमत हो गई ना पंद्रह का प्रॉफिट हुआ एक सौ पंद्रह पे बेच रहा है बीस का ओवरऑल हुआ टू फोर्टी का बेच रहा है 115 125 240 तो ये इससे कितना ज्यादा है सीधा गेम है नेक्स्ट आ जाओ चलो एक सवाल की ओर ये देखिए बहुत प्यारा सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 143 सेलिंग प्राइस ऑफ इतना क्या करोगे करने ही नहीं है इसमें अब देखो बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 143 किसके बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 195 और मैंने आपको अभी बताया भी था कि आपको यदि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकालना है तो आपको रेशियो बनाना है आपको रेशियो बनाना है तो आपने क्या कहा ग्यारह से काट लो ग्यारह कम ग्यारह है ना थर्टी थ्री ग्यारह से तीन बार ग्यारह कम ग्यारह सॉरी ग्यारह से ये नहीं जाएगा फिर तो इसको तेरह से काटो तेरह एकम तेरह तेरह एकम तेरह और तेरह से तेरह पंज पैसठ तो आपने कहा सीपी और एसपी का रेशियो पंद्रह बटे में ग्यारह खींच लो तो पंद्रह बटे में ग्यारह अब आपने क्या कहा सीपी मेरा पंद्रह तो जाहिर सी बात है कितने का लॉस हो रहा है चार रुपए का लॉस कब होता है जब सीपी बड़ा होता है आप इतनी सी बात याद रखो तो चार रुपए का लॉस हुआ पंद्रह पे इंटूसो पांच से बीस बार पांच से तीन बार बीस चक्का अस्सी अपॉन में में का लॉस रहा रहा है yeah. समझ में आ रहा है समझ आ कि नहीं आ रहा है? एक बार हाँ या ना बोलो एवरीवन ठीक है अगला सवाल ये आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डाल देना जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा ठीक है कॉस्ट प्राइस ऑफ 850 सौ पचास सेलिंग प्राइस ऑफ पांच सौ बराबर है बाकी सेम मेथड है ठीक है नोट कर लेना और कमेंट सेक्शन में डाल देना नेक्स्ट अब उसी फॉर्मेट से यह सवाल आया है जो एग्जाम में कई बार आ चुका है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ पंद्रह सेलिंग प्राइस ऑफ बारह आठ का डिस्काउंट छ के प्रॉफिट के बराबर है तो प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस अब देखिए अब प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंटेज पहले डिस्काउंट समझना जरूरी है डिस्काउंट समझना जरूरी है तो अभी जब डिस्काउंट समझाऊंगा तो इसी सवाल पे आऊंगा देना मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कई बार आ चुका है ठीक है कई बार आ चुका है चलो इसको भी डिस्काउंट समझाऊंगा तो बताऊंगा नेक्स्ट आ जाओ ये वाला कि एसपी ऑफ तिरसठ लॉस लॉस दे रखा है, परसेंट बताइए, थोड़ा पहले समझिए इसको, क्या कहना चाह रहा है देखो सर प्रॉफिट लॉस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कि बहुत बड़ा टॉपिक है इसको इसकी में समझना है इसको इसकी में समझना है हिंदी की तरफ मत जाओ। हिंदी में अगर डेटा चेंज है अगर कुछ गड़बड़ है तो चेंज छोड़ दो एक है, क्या? लिख रहे हो बेटा एक्स्ट्रा गेमर बार बार एक चीज लिख रहे हो यार एक क्वेश्चन वो जो छोटा है बताऊंगा मत परेशान हो। आओ। समझते हैं कि अगर आपने 63 आर्टिकल बेचे हैं आफ्टर सेलिंग बोल रहा है ना तो लॉस किसके बराबर हो रहा है एसपी देखो लॉ एक यहां से क्लू पकड़ो जो लॉस है वो किसके बराबर है एसपी के तो लॉस बराबर एसपी के तो मानना पड़ेगा इसमें कि लेट एसपी ऑफ एक आर्टिकल एक रुपये okay. एक वस्तु को आप एक का बेच रहे हो तो लॉस किसके बराबर है एसपी ऑफ नौ आर्टिकल मतलब नौ रुपए के बराबर है ठीक है दिस पॉइंट क्लियर दिस पॉइंट क्लियर यस नो यस नो यस नो कि भाई जो अगर आप लॉस बेच रहे हो नौ के बराबर है तो एसपी जो जिसके बराबर लॉस और प्रॉफिट होगा वो मानेंगे जिसके बराबर होगा हम वो मानेंगे तो मैंने क्या कहा कि लॉस एसपी ऑफ नो है तो एसपी ऑफ एक एक रुपए तो लॉस रुपए का हो रहा है अच्छा आप कितने आर्टिकल बेच रहे हो सिक्सटी थ्री तो एसपी ऑफ सिक्सटी थ्री आर्टिकल कितने रुपए के हैं तिरठ रुपए के आपने बेचे अगर आप त्रेसठ बेच रहे हो त्रेसठ रुपए के आप बेचोगे उतने ही जितने आप खरीदोगे तो सीपी ऑफ त्रेसठ आर्टिकल कितना हो जाएगा सीपी लॉस के केस में बड़ा होता है दोनों को जोड़ देंगे नौ तीन बारह बहत्तर रुपए आया नहीं आया पूरी कहानी समझ में या वंस मोर कमेंट फास्ट जल्दी से बेटा कमेंट करो ठीक है तो अब आपने क्या कहा पूछ रहा है कि लॉस परसेंट तो कितने का लॉस हो रहा है नौ का नौ का लॉस हो रहा है किस पे काउंट होगा सीपी पे बहत्तर इंटू सौ तो नौ से आठ बार सौ बे आठ साढ़े बारह परसेंटिक मैथड है अब लॉजिक बताता हूं ये तो आपने मेथड मेथड वाइज वाइज समझा और जो कि समझना जरूरी होता है क्योंकि अगर देखो हर चीज हम शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागेंगे ना तो मेन्स एग्जाम लंका लग जाती है अभी रात के ग्यारह बजे एक वीडियो मेरे को शूट करूंगा मैं आपको बताऊंगा एक बच्चे से मेरी बात हुई है जिसका इस बार एस बी आई पी में चयन हुआ है उसने यही कहा सर मैं आपको सुनाऊंगा उसकी पूरी सक्सेस स्टोरी तब आपको लगेगा कि बेसिक कितना जरूरी है तो मैंने क्या कहा अच्छा हमने एसपी को ही क्यों माना सीपी क्यों नहीं माना क्योंकि जो लॉस गिवन है हमेशा याद रखना है कि लॉस गिवन है एसपी ऑफ नो अब जैसे अगले सवाल की तरफ चलता हूं रुक जाओ एक सवाल और चलता हूं देखो इसमें भी सेम क्वेश्चन है कि आपने एक बेचे लॉस आपको गिवन है कॉस्ट प्राइस अब लॉस जो गिवन है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है यहां पर जो लॉस गिवन है वो सेलिंग प्राइस तो प्रॉफिट गिवन है चाहे लॉस जिसके बराबर गिवन है वो मानेंगे जैसे यहां पे लॉस सीपी के बराबर है तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे कि सीपी ऑफ एक आर्टिकल एक रुपए तो लॉस कितना हो रहा है बारह रुपए के बराबर क्योंकि लॉस ऑफ बारह बराबर। बत्तीस आपने बेचे तो सीपी ऑफ एक सौ बत्तीस एक सौ बत्तीस रुपए क्योंकि एक की खरीद पता है एक सौ बत्तीस की खरीद आ गई लॉस हो रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा एक सौ बत्तीस का आप जानते हो लॉस के केस में एसपी छोटा होता है तो एक सौ बत्तीस में से बारह गया एक सौ बीस रुपए पूरी थ्योरी समझ आई कि नहीं आई पहले हाया ना बोलो फिर बोल रहा है कि लॉस प्रतिशत तो लॉस हुआ बारह का एक तो बारा एकम बारा, बारा एकम बारा, सौ बत्तीस पे काउंट होगा इंटू सो तो बारह कम बारह बारह एकम बारह सौ बटे ग्यारह नाइन दशमलव जीरो नौ प्रतिशत ये इसके बेसिक है बेटा अगर बेसिक ही नहीं समझोगे तो मेरे को नहीं लगता कि आप यहां दो घंटे आगे कुछ कर लोगे। दो घंटे का सेशन उन्हीं के लिए बेस्ट है जिनको बेसिक समझना है स्पीड नहीं आ रही बेटा मुनी कुमारी धीरे धीरे पढ़ोगे अब बात करते हैं इसमें लॉजिकल कैसे करें ये तो मैंने बेसिक बता दिया लॉजिकल समझते हैं देखो लॉजिकल थोड़ा सा क्या है थोड़ा रटने वाला टाइप का है इसलिए मैं कई बार लॉजिक बताता नहीं हूं कि अगर भूल गए तो गेम समाप्त देखो यहां पे लॉस हो रहा है और किसके बराबर है नौ आर्टिकल के तो आपने कहा जितने का लॉस हुआ वो तो है फिक्स नौ नंबर देखो यहां पे लॉस हो रहा है ना तो लॉस किसके बराबर है नौ तो जितना लॉस हो रहा है उसको तो लिख ही लो और लॉस किस पे काउंट होगा सीपी पे आपको क्या गीवन है एसपी अगर लॉस और एसपी साथ, साथ गीवन है तो क्या करेंगे सीपी निकालने के लिए जोड़ देंगे कि नौ और तिरसठ तिरसठ और नौ कितना हो गया बेटा बहत्तर कि तो कितना बारह का लॉस हुआ अब लेकिन लॉस और सीपी गिवन है लॉस एसपी होता तो जोड़ देते लेकिन लॉस और सीपी गिवन है लॉस और सीपी गिवन है तो क्या करेंगे ये वाला नंबर पिक कर लेंगे जो गिवन है एक तो ये रटने वाला मचा गया है तो रटना है ही नहीं सर आप बेसिक समझो कॉन्सेप्ट समझो थम्सअप करो एक बार सब लो फटाफट से ठीक है अगला सवाल आ जाओ बहुत प्यारा सवाल है लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपने बना लिया तो अच्छी बात है क्योंकि बेसिक पे ही बनेगा शॉर्ट ट्रिक में बार बार कहता हूं किसी काम की नहीं है बोल रहे है कि अगर एस डबल हो जाती है तो प्रॉफिट तीन सौ परसेंट बढ़ जाता है तो बताइए इनिशियल प्रॉफिट कितना है आप पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ गूगल करना बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिलेगा बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये सवाल इतनी बार एग्जाम में आ चुका है बच्चे इसको याद कर लेते हैं पर एग्जामिनर भी बड़ा जो है तेज होता है वो डेटा बदल देता है लो आप करो रटना नहीं है मैं फिर कह रहा हूं चलो एक बार पहले हाथ पैर मारो फिर बताता हूं सब लोग पानी वानी सब साथ में लेके बैठना दो घंटे पूरा बैक टू बैक सेशन होगा और पूरे अच्छे क्वेश्चन आज के बाद प्रॉफिट लॉस कभी दिक्कत नहीं करेगा ये मेरी गारंटी है आप पहले से पढ़ो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है कि एसपी डबल हुआ तो प्रॉफिट बढ़ता अगर एसपी डबल नहीं होता तो नहीं बढ़ता अगर प्रॉफिट हो तो, तो रिवर्स कर देते बेटा आ जाओ समझो यार देखो फिर वही बातें पिछले सवाल में बच्चा बोल रहा है सर लॉस की जगह प्रॉफिट रट क्यों रहे हो यार रटने वाला गेम खराब है देखो यहां पर क्या है कि एसपी अगर डबल हो रहा है तो ही प्रॉफिट तीन सौ परसेंट बढ़ जाता है 300 बढ़ जाने का मतलब है कि पहले वो तीन था सॉरी तीन सौ परसेंट का मतलब कितना होता है तीन बटे एक, भाई 300 का मतलब तीन बटे एक तो तीन बटे एक का मतलब कि पहले वो एक था एक से तीन बढ़ गया वो चार हो गया मतलब चार गुना बेसिकली तो कैसे करेंगे हमें निकालना है इनिशियल प्रॉफिट परसेंट तो आपको बताए प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी पी इंटू सो यानी आपको प्रॉफिट की जरूरत है आपको सीपी की जरूरत है तो आपका आंसर निकलेगा आप थोड़ा कंडीशन बनाते हैं, कि एसपी अगर डबल हुआ सपोज कीजिए कि पहले जो एसपी था पहले लिखता हूं इनिशियल एक तरफ लिख दो इनिशियल और एक तरफ लिख दो न्यू ठीक है आप भी जानते हो कि कुछ भी बढ़ेगा घटेगा सीपी हमेशा सेम रहता है इनिशियल केस में भी और बाद के केस में भी ठीक है तो मैंने कहा कि जो मेरा इनिशियल का एस है वो पहले मेरा एक्स है और जो मेरा प्रॉफिट है वो मेरा वाई है तो मेरा सीपी कितना हो जाएगा मेरे भाई पहले बस ये बताओ मेरा सीपी कितना हो जाएगा आप भी जानते हो प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी और सीपी जो होगा दिस एक्स माइनस वाई ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया मेरे भाई हाँ ना बोलो थम्सअप करो मैंने क्या कहा एक बार थम्सअप फटाफट पट से अगर ये समझ में आ गया तो आगे चलूंगा एसपी है मान लीजिए वो, तो तो वो कितना हो गया इंक्रीज बाय तीन सौ परसेंट कब सॉरी प्रॉफिट बढ़ाए एसपी मेरा डबल हो गया तो डबल मतलब टू एक्स हो गया और जो मेरा प्रॉफिट है ना वो क्या हो गया तीन सौ परसेंट बढ़ गया 300 परसेंट का मतलब होता है कि वो तीन गुना बढ़ गया तो पहले वो एक गुना था अब तीन गुना बढ़ गया चार गुना हो गया यानी वो चार गुना चार वाई हो गया तो अब मेरा सीपी कितना हो जाएगा 2x एक्स माइनस चार वाई अब दोनों केस में सीपी क्या होगा मेरा बराबर होगा तो जब मेरा सीपी दोनों केस में बराबर होगा तो एक्स माइनस वाई बराबर -4Y। तो क्या करेंगे चार को यहां ले आओ तीन मैं चार वाई को यहां लेके चाराई माइनस आपने क्या कहा एक्स बराबर तीन वाई अरे हा ना कुछ तो बोलो गेम पूरा क्लियर हो गया तो अब आप कहीं पे भी रख दो तो यहां पे रखा आपने x x ये भी y हो गया पर दो वाई तो आपने कहा प्रॉफिट कितने का हो रहा है y का किस पे काउंट हो रहा है सीपी टू वाई पर इंटू में सौ तो y कटा ये आपका आंसर हो गया पचास तो जो बच्चे सिक्सटी सिक्स कर रहे थे जरा एक चाटा जोर के गाल पे लगाओ जोर के लगाओ हाँ भाई कहां गए सिक्सटी सिक्स वाले शकल दिखाओ एक बार वही है ना रटन विद्या सिलेक्शन आप भी जानते हो होता कि नहीं होता तो मैं यही आपसे कह रहा हूं कि अगर आप पढ़ने आए हो दिल से तो आप पढ़ो यार दो घंटे हम लोगों को पढ़ना है सर अब देखो एक बच्चा है इंग्लिश विद मनोज सर यूट्यूब से इनकम नहीं हो रही है और गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं रही है सीट बहुत कम हो गई है बस प्रिपरेशन करते करते नौ इयर्स हो गए हैं आपके जैसा अरे भैया अब यार मनोज में तुम्हें क्या जवाब दू चलो मनोज तुम मुझे मेल डाल देना मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं कुछ आ जाओ चलो अगला सवाल ये रहा सेम क्वेश्चन है कुछ भी चेंज नहीं किया मुझे आंसर चाहिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बनाओ 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 सेम क्वेश्चन है बनाओ बनाओ सेम क्वेश्चन अगर आपने ये कर लिया ना एक बालक आया मेरा बीच में वो कहता है बोला सर कि ये सीपी सेम क्यों होता अभी तो मैंने समझाया था कि सीपी हमेशा बराबर होगा आ जाओ अब इस वाले को देखो कि अगर एसपी पांच गुना हुआ तो प्रॉफिट सात सौ परसेंट बढ़ गया सात सौ परसेंट का मतलब प्रॉफिट आठ गुना हो गया अब वही केस बनाओ देखो आज जल्दी जल्दी करते टाइम नहीं इतना और भी क्वेश्चन है इनिशियल और न्यू आप देखो तो इनिशियल और न्यू का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने कहा मेरा एसपी पहले एक्स है और मेरा प्रॉफिट जो है वो वाई है तो मेरा सीपी कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई अब एसपी कितना हो गया पांच गुना अब जो मेरा एसपी है वो पांच गुना यानी कि पांच एक्स तो प्रॉफिट परसेंट सात सौ परसेंट बढ़ गया मतलब आठ गुना हो गया तो प्रॉफिट आठ गुना हो गया तो मेरा सीपी कितना हो जाएगा 5X -8Y. अब दोनों बराबर हो जाएंगे तो जैसे ही आपने बराबर किया बोलो अब आप बाकी खुद से कर लोगे कि मैं करके जाएगा शायद है ना एक बार अप कर लो जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं लाइक नहीं कर रहे हो बहुत सारे लोग लाइव हैं लेकिन लाइव के बाद लाइक नहीं कर रहे हो ठीक है तो ये कर लोगे फोर एक्स की वैल्यू आ गई निकालना है, कोई वैल्यू नहीं निकालनी आप इसमें मत होना कि सर कहीं भी रख सकते हो चार सात अपॉइंट चार वाई ये देखो तो यहां पे वाई कितना हो जाएगा एक्स आ गया वाई की जगह पे आप चाहे वाई रहने दो और ये आ जाएगा आपका सात बाई चार वाई माइनस वाई सात में से चार गया तीन बाई चार वाई बस काम हो गया तो प्रॉफिट वाई का हो रहा है किस पे तीन बाई चार ऊपर चला जाएगा नीचे वाई इंटू में सौ कैंसिल आउट हो जाएगा वाई वाई चार बाई तीन ये आंसर बेस्ट काफी लोगों ने किया शायद हाँ बेटा बताओ कौन सी पार्ट रिपीट करनी अरे कुछ भी तो नहीं देखो पिछला सवाल भी ऐसी था कि मैंने आपसे क्या कहा कि इनिशियल मेरा एस पी ऐसे है। ये वाई है एक्स माइनस वाई ये डबल हो गया तो टू एक्स हो गया ये चार गुना हो गया इसका चार वाई हो गया फिर आपने कहा ये दोनों बराबर करे तो मैंने एक्स बराबर तीन वाई एक्स बराबर तीन वाई यहां रख दिया तीन वाई और वाई तीन में से एक गया दो वाई तो कितने का प्रॉफिट हुआ वाई का टू वाई पे आंसर यार बेसिक नहीं काम करोगे तो बेटा प्री निकाल लोगे गलती से मेंस नहीं क्वालिफाई होगा फिर नेक्स्ट अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है एस क्लर्क दो में आ चुका है एक बार ट्राई करना कि रिटेलर क्या करता है इतने का profit कमा रहा है दूसरे पे इतने का आपको बताना है कि ओवरऑल कितना होगा अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है यार नवनीत सिंह को भाई बता दो कि सीपी सेम क्यों रहता है बेटा नवनीत जो क्रय मूल्य होता है ना वो हर बार सेम ही रहता है हम केवल और केवल एसपी को बदलते हैं आपने देखा होगा कि दुकानदार हर बार एसपी चेंज करता है बनाओ आ जाओ बहुत ही सिंपल था देखिए इसका मतलब क्या होता है वन थर्ड तो आपने कहा ये पहला आर्टिकल है ये मेरा दूसरा आर्टिकल है तो मुझे एक तिहाई का प्रॉफिट हुआ एक तिहाई का मतलब कि नीचे वाला सीपी ऊपर वाला प्रॉफिट तो अगर मेरा सीपी तीन रुपए है तो मेरा प्रॉफिट हुआ एक का और मेरा एसपी हुआ स्टेटमेंट तो क्लियर है कि अगर मैं इसकी बात करूं सिर्फ थ्री थ्री पॉइंट थ्री थ्री तो आपने क्या कहा थ्री थ्री पॉइंट थ्री थ्री का मतलब वन थर्ड सीपी तीन है प्रॉफिट एक का हुआ एसपी चार है दूसरे आर्टिकल पे हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट का मतलब वन तो अगर सीपी इसका वन है प्रॉफिट भी वन का हो रहा है तो एसपी हो गया दो रुपए क्योंकि वन बाई वन हंड्रेड परसेंट का मतलब वन जिसको हम वन अपॉन वन भी लिख सकते हैं नीचे वाला सीपी ऊपर वाला प्रॉफिट ठीक दो रुपए लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एसपी बराबर है तो ये चार है ये भी चार होगा मल्टीप्लाई टू तो इसका सीपी दो रुपए प्रॉफिट दो रुपए एसपी चार रुपए अब बोल रहा है कि नेट परसेंट बताइए तो टोटल सीपी कितना हो गया तीन और दो पांच टोटल एसपी चार और चार आठ कितने का प्रॉफिट हुआ तीन का किस पे काउंट पांच सिक्सटी परसेंट आसान था कि टफ था दो हजार उन्नीस एसबीआई क्लर्क है ना बहुत सही बहुत सही बहुत सही अगला कि दो वस्तु की कीमत बराबर है यही सवाल मैंने अभी कराया था शायद अभी जस्ट कराया था दो वस्तु की कीमत बराबर है एक को आपने बारह के प्रॉफिट पे दूसरा इतना ज्यादा है और नेट प्रॉफिट आपको पंद्रह का हुआ तो कॉस्ट प्राइस ऑफ इच अभी करवाया था जस्ट अगर इसका जवाब आपने नहीं दिया या अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आया तो आप समझ लो कि आप चालीस पचास मिनट से सिर्फ और सिर्फ अपना फोन चला रहे हो क्लास पे फोकस नहीं है किसी का बनाओ 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 जो लेट हो चुका है कोई बात नहीं अब यहीं से पकड़ो समझो जो लेट हो गया वो लेट गया समझो मैं अक्सर बोलता हूं देखो अगर आप लेट हो जाओगे ना तो लिटरली फिर लेट ही हो जाओगे ये कौन सा लेट है समझ जाओ तो इसलिए मैं कहता हूं हमेशा समय के साथ चलो इतनी सारी वीडियो बनाई कि दस बजे क्लास है तुम लोग नौ बजे क्लास है तुम लोग आते ही नहीं हो देखो अभी कराया था ये कॉन्सेप्ट और ये एग्जाम में आ चुका है आप गूगल कर लो इतना मैं कह के जा रहा हूं जिस बच्चे ने मेरे सेशन अटेंड कर लिए ना तो आप बैंकिंग के एस एस कोई भी एग्जाम में बैठ जाना प्रॉफिट लॉस को लेकर चलो कह रहा है कि एक शॉपकीपर की दो वस्तुएं बराबर है तो सीपी एक का सौ रुपए है दूसरे का भी सीपी सौ रुपए है तो टोटल सीपी कितना हो गया दो सौ रुपए हो गया सीधी सी बात है पहले वाले को 12 परसेंट का प्रॉफिट हुआ 12 परसेंट का मतलब 112 का बेच रहा हूं और दूसरे वाले का छोड़ दो आपको जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 15 हुआ है तो टोटल एसपी कितना भाई 200 का 15 परसेंट तीस रुपए होता है तो 230 का आप बेच रहे हो अगर आप 230 का बेच रहे हो 112 सौ यहां से आ गए तो यहां से कितने आएंगे एक सौ और अठारह दो तो आपने क्या कहा कि कितने रुपए का सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है छ रुपए का है ना तो छे रुपए कितना जाता है वन 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 जीरो एक की वैल्यू वन 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 जीरो डिवाइड बाई सिक्स और सौ की वैल्यू सीपी निकालनी आंसर हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू नो कि कैसे किया हुँ? अभी करवाया था जस्ट मैंने क्वेश्चन है ना तो ये बहुत मुश्किल नहीं था आपने कर लिया होगा कि भाई पहली की कीमत और दूसरे की कीमत बराबर है तो कुल कीमत दो सौ रुपए कुल कीमत दो सौ पूरा पंद्रह परसेंट का प्रॉफिट हुआ तो कुल कीमत की जो एस पी आई वो दो सौ तीस यहां से एक सौ बारह आया क्योंकि बारह का बेच रहा हूं यहां पे एक सौ अट्ठारह हो जाएगा तभी दो सौ तीस मिलेगा तो ये वाला नंबर इससे कितना ज्यादा है 6 और एक सौ दस ग्यारह दस बराबर है ठीक है बहुत सही बहुत खूब अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है सवाल पहले पढ़ो दो वस्तु है जिनको वो इतने के बेच रहा है पे सेल लिखा है, है। गिवन पहले वाले को दस पे दूसरे वाले को पच्चीस पे अब पहले वाले की कॉस्ट प्राइस दूसरे वाले की सेलिंग प्राइस बराबर है चलो ट्राई करेंगे आओ एक मिनट बनाओ सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें क्या है सेलिंग प्राइस गिवन है सो so गाइस अगर आपने कर लिया तो मैं समझूंगा कि आपको प्रॉफिट लॉस थोड़ा समझ में आ रहा है पल्लवी बोल रही है पल्लवी इंग्लिश में बोल दूंगा ऐसे कोई इश्यू नहीं है आ, पूजा बोल रही है सर पूजा की सर एग्जाम में कैल्स यूज कर सकते हैं पूजा आप बैंक का पेपर देने जा रहे हो आईआईटी का नहीं है ना तो वहां पर कैल्सी अलाउड नहीं होता अगर इस पेपर में भी वो कैलकुलेटर अलाउड करने लगेगा ना तो कट ऑफ जाएगी सौ में से नाइनटी नाइन जितेंद्र कुमार बोल रहे हैं, सर पीडीएफ प्रोवाइड भाई जितेंद्र पहले क्लास तो कम खत्म होने दो तभी तो प्रोवाइड कर दूंगा चलो आओ समझते हैं कह रहा है कि पहले वाले में दस परसेंट का लॉस हो रहा है देखो पहला और ये दूसरा अगर दस परसेंट का लॉस हुआ इसका मतलब एक बटे दस कि पहले वाले की कीमत दस रुपए है लॉस हो रहा है एक रुपए का तो सेलिंग प्राइस हो गया नौ रुपए क्योंकि सेलिंग प्राइस तो कम होता है लॉस के केस में ठीक है अब दूसरे वाले की कंडीशन पे आ जाओ कि परसेंट का प्रॉफिट हुआ 25% परसेंट का मतलब होता है वन बाई फोर आपने कहा सीपी हुआ आपका प्रॉफिट हो रहा है आपको एक रुपए लेकिन आपको जो एसपी हो रहा है वो पांच का हो रहा है अब थोड़ा ध्यान से सुनो अब उसने कंडीशन बताई है आपको अगर आपने सुनी हो और अगर आपने देखी हो कि पहले वाले की कॉस्ट प्राइस यानी कि दस ये सेलिंग प्राइस सेकंड है सेलिंग प्राइस सेकंड ये पांच है ये दस है ये बराबर होना चाहिए तो बराबर कर दो यहां दो से मल्टीप्लाई कर दो सबको ही करना पड़ेगा किसी एक को तो करेंगे नहीं तो इसकी सीपी आठ रुपए इसका प्रॉफिट दो रुपए इसकी सेलिंग प्राइस दस रुपए तो ये दस वो दस बराबर हो गया अच्छा दोनों की सेलिंग प्राइस का सम दे रखा है तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है बच्चे नौ इसकी दस रुपए तो दोनों की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई उन्नीस उन्नीस की वैल्यू वन सेवन वन जीरो कितनी बार जाएगा नौ बार एक की वैल्यू कितनी आ गई नब्बे आ गई तो बोल रहा है कि क्या निकालना है निकालना है क्या है इसमें अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट लॉस तो देखो यहां दो का प्रॉफिट हुआ यहां एक का लॉस हुआ तो ओवरऑल कितना हुआ उसको? ऐसे देख लो दोनों का सीपी कितना है अठारह दोनों का एसपी कितना है उन्नीस तो एक रुपए का प्रॉफिट हुआ एक की वैल्यू नब्बे प्रॉफिट तो एग्जाम में आएगा तो कर लोगे कमेंट फास्ट हम्म आ रहा है ना समझ में बराबर बहुत बढ़िया नेक्स्ट आ जाओ दो आर्टिकल इतने के बेचे अब ये कॉन्सेप्ट याद रखना हमेशा कि अगर दो आर्टिकल है आर्टिकल वन और आर्टिकल टू और दोनों की एसपी बराबर है एसपी वन बराबर एसपी टू है जितना प्रॉफिट परसेंट है उतना ही लॉस परसेंट है कुछ समथिंग एक्स है मान लो पहले वाले का एसपी दूसरे वाले का एसपी बराबर है जितना प्रॉफिट परसेंट उतना ही लॉस परसेंट वो एक्स है तो याद रखना है ऑलवेज लॉस होगा ठीक है हमेशा लॉस होगा और जो लॉस परसेंट होगा वो हमेशा एक्स स्क्वायर अपॉन हंड्रेड होगा जब दोनों के एसपी बराबर हैं, दोनों के एसपी बराबर हैं जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस इक्वल है तो लॉस होगा तो क्या करोगे कौन से? देखो दस का लॉस का प्रॉफिट तो अपॉन हंड्रेड परसेंट है एक परसेंट का लॉस ये कई बार आ जाता है एनटीपीसी स्टेट लेवल कहीं भी आ जाता है सवाल हमेशा लॉस होगा ऐसी अगला सवाल है कि दो आर्टिकल बेचे आपने बारह के एक में साढ़े आठ का लॉस साढ़े आठ का प्रॉफिट तो आंसर क्या हो जाएगा साढ़े आठ का स्क्वायर अपॉन में सौ लॉस परसेंट ठीक है बेस्ट एक बार ना बोलो रेलवे वेलवे वगैरह में आ जाते हैं क्वेश्चन तो कंफ्यूज मत होना ठीक है आज की बात चलिए नेक्स्ट आइए कॉस्ट प्राइस ऑफ पहले आर्टिकल की दुगनी है बी इतना इतना. तो दिया, तो जाएगा. जाएगा तो दिया, दिया था एक बार और मैंने आपसे घर के लिए कहा था इसे करने के लिए आप देखते हैं कि वो जो घर वाले बच्चे होते हैं ना वो वाकई में पढ़ते भी है कि या फिर वो बस इसको तिजोरी में डाल देते हैं एक बच्चा है उसका नाम है बायोग्राफी सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो बेटा कुछ है ही नहीं अभी तो पढ़ाने के लिए अभी तो प्रॉफिट लॉस शुरू ही हुआ है और कितने लोग कह रहे हैं कि फास्ट पढ़ा रहे हैं भाई एक बार बताओ एक काम करो फिर अगर जिनको फास्ट लग रहा है वो youtube को स्लो मोड पे डाल लो youtube में भी एक ऑप्शन आता है स्लो करने का शायद आता है क्या नहीं आता ना नहीं आता शायद यूट्यूब पे नहीं आता छाओ स्पेशल प्लस में आता है ओके चलो बनाओ 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 सबाश ऑफलाइन अच्छा, में आता है आ जाओ देखो बहुत प्यारा सवाल था हमेशा बोलता हूं देखो बेसिक्स अगर आपके बहुत अच्छे हैं ना तो सर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं आप सिलेक्शन ले लोगे ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि बहुत बच्चों का सिलेक्शन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यूट्यूब पे पढ़ पढ़ के भी प्री और मेंस निकाल लेते हैं बहुत बच्चे हैं सर ऐसा नहीं है अगर आप सिंसियरली हो ना आप सीरियसली पढ़ रहे हो तो आप मेंस भी आप इसी दम पे निकाल लोगे बेसिक के दम पे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी आर्टिकल ए है आर्टिकल बी है तो ए का जो आर्टिकल है वो दुगना है बी का तो मान लीजिए इसका इसका है। है है। है तो इसका जो ए का वो 200, डबल है. ये देखो, ठीक ना कि ए ट्वाइस है बी का ये क्लियर हो गया सेलिंग ऑन ए बी तो ए में कितने का प्रॉफिट हो रहा है इतने का तो इसका जो एस पी है या प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है 8.3 परसेंट तो इसका 8.3 परसेंट तो एसपी कितना हो जाएगा तीन दुनी छू इन एट पॉइंट थ्री कर न, काट देगा, दो ना परसेंट दो सोलह तो कितना हो जाएगा दो सौ सो सोलह पॉइंट आपको क्या हो रहा है इतने का प्रॉफिट हो रहा है तो चौदह पॉइंट चार एक्स का प्रॉफिट हुआ तो एसपी कितना हो जाएगा 114.4x ये भी sp ये भी sp और आपको प्रॉफिट गिवन 186 का तो सर एक बात बताओ प्रॉफिट इसका कितना हो रहा था इसका प्रॉफिट हटा दो यहां से इसका प्रॉफिट हो रहा था आपको 16.6 तो इसको और इसको जोड़ो 16 और 14 30 और 1 31 तो 31x की वैल्यू 186 है तो x बराबर कितना आ गया 6 तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ a मतलब ये तो आपका आंसर हो जाएगा बारह तो आपने क्या कहा सर कि कुछ शॉर्ट ट्रिक के पीछे नहीं भागे हम लोग हम लोग बेसिक के पीछे भागे हम लोग बेसिक के पीछे भाग रहे हैं तो हमें इसकी जरूरत भी नहीं है वैसे एसपी की क्योंकि एसपी वो पूछ ही नहीं रहा है तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो प्रॉफिट प्रॉफिट दोनों का जोड़ आंसर बेस्ट ठीक है नेक्स्ट आ जाओ एक वस्तु को आपने इतने का बेचा तो इतने का प्रॉफिट हुआ तो इतने का लॉस तो कितने का बेचू सिंपल सी बात है देखो थोड़ा लॉजिक बनाना अगर बारह का प्रॉफिट हुआ तो कितने का बेच रहे हो एक सौ बारह परसेंट का बेच रहे हो और अगर बारह परसेंट का लॉस हो रहा है तो आप एट्टी एट परसेंट का बेच रहे हो अगर बारह का प्रॉफिट हुआ तो एक सौ बारह का बेच रहे हो इतने का लॉस हुआ और आप बेच इतने का रहे हो ये एसपी है तो आपने कहा छह सौ बहत्तर किसकी वैल्यू है सौ बारह की अठासी का बारह का लॉस मतलब अट्ठासी की निकालनी है सिंपल आया समझ में नहीं आया एक बारी में स्टेप बना के बताऊं आओ थोड़ा बेसिक बताता हूं ऊपर से निकल गया देखो बाय सेलिंग इतना एसपी छह सौ बहत्तर बारह परसेंट का लॉस हुआ तो मैंने कहा कि अगर मेरा सीपी हंड्रेड एक्स है प्रॉफिट हो रहा है बारह एक्स का तो मेरा एसपी हो रहा है एक सौ बारह एक्स ठीक है तो इसकी वैल्यू दे रखी सिक्स सेवेंटी टू तो एक बराबर छ तो हंड्रेड एक्स की वैल्यू 600 सौ आ गई तो आपका सीपी आ गया फिर आपने क्या कहा कि अगर मेरा सीपी 600 सौ है तो उस पर लॉस हो रहा है बारह परसेंट का तो बारह परसेंट का लॉस सेवेंटी टू का लॉस हो रहा है तो एसपी हो गया 600 सौ माइनस सेवेंटी टू फिर से एसपी निकल गया लेकिन यह बहुत लंबा मैथड है और लेकिन बेसिक है शॉर्ट ट्रिक के पीछे मैंने आपसे क्या कहा कि अगर मुझे बारह परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है तो एक सौ बारह का बेच रहा हूं तो यह वैल्यू कितनी की है इनटू 100 सौ की निकाल दी सीपी फिर मैंने कहा बारह परसेंट का, का लॉस चाहिए तो इसका एट्टी एट परसेंट तो एक्चुअल में क्या होता है ये सौ और सौ कट जाता है तो इसलिए हम सीधे बोलते हैं कि आगे छे सिक्स एट जा फोर्टी एट सिक्स एट जा फोर्टी एट और फिफ्टी फोर सिक्स एट जा फोर्टी एट चार बचा ना पांच सौ अट्ठाइस बेस्ट एक और आ जाओ अच्छा सवाल है अगर आपने कर लिया तो मैं समझूंगा कि हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है बनाओ थोड़ा परसेंटेज का गेम है रूबी कुमारी अभी आप कोई प्रॉब्लम बाद में सुनी जाएगी पहले पढ़ लो अच्छा होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी आओ थोड़ा समझाता हूँ आपने मेरे साथ कई बार सेशन में देखा होगा मैंने कई बार लिखा है कि 9.09 परसेंट का मतलब होता है कई बार आपने देखा होगा मेरे साथ है ना तो अगर तीन से मल्टीप्लाई करूंगा ट्वेंटी सेवन का मतलब होता है तीन बटे ग्यारह और इसका मतलब क्या होता है तेरह इंटू तेईस तेरह दुनिया छब्बीस रा तीन टू डबल नाइन और एक तीन सौ बटे तेरा परसेंट अपॉन में जीरो तो इसकी वैल्यू आ गई तीन बटे तेरह अब थोड़ा गेम समझना कि फ्रैक्शन में गेम कैसे बदलता है थोड़ा गेम समझना कि फ्रैक्शन में गेम कैसे बदलता है देखिए आप ऑन सेलिंग लिखा है तो ये आपकी एसपी है तो आपने कहा कि अगर मेरा सीपी ग्यारह रुपए पहले यहां समझते हैं तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है तीन रुपए का तो मेरा एस आया कि अगर मुझे इतने का प्रॉफिट हो रहा है ना तो तीन बटे ग्यारह नीचे वाला सीपी प्रॉफिट इतना और चौदह की वैल्यू दे रखी आपको चौदह सो छप्पन तो आपने ग्यारह की निकाल दी तो चौदह से एक बार फोर्टीन फोर जा इन टू ग्यारह ग्यारह सो चवालीस ग्यारह एक सो और ग्यारह छो चवालीस तो ये आपकी आ गई सीपी सही है अब आपको सीपी नहीं निकालना था आपको इसका एसपी निकालना था इस वैल्यू का कि तेरह में तीन का लॉस हो रहा है लिखा है ना लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है सॉरी तेरह में तीन का तो आप क्या करोगे तेरह में तीन का कि आपका जो सीपी है ग्यारह चवालीस है इसमें तेरह में तीन का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका सोलह बटे तेरा भाग बेस्ट एवरी वन थम्स अप जितने भी लोग ये समझ में आया कि नहीं आया पहले ठीक है ना कि मैंने क्या कहा कितने का मतलब ये प्रॉफिट था ये सीपी था तो पहले आपका 11 फिर तीन, फिर 14 इसकी वैल्यू गिवन थी आपने निकाल के सीपी निकाल दिया इस पे फिर आपको उतने का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका प्रॉफिट मतलब 13 में तीन का प्रॉफिट 16 13 से काटो 13 7 91 13 8 104 सॉल्व कर लेना जो भी आपका आंसर आएगा वो आपके छोड़ दे रहा हूं मैं ठीक है डन ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला सवाल ये देखिए एक वस्तु को आपने इतने का बेचा इतने का प्रॉफिट इतने का लॉस चाहिए कितने का डायरेक्टली करो कि आपने कहा कि ये आपको क्या गीवन है अब ये देखो साढ़े नौ का प्रॉफिट हो रहा है तो इतने का बेच रहा हूं एक सौ नौ पॉइंट पांच का बेच रहा हूं इतने का लॉस हो रहा है तो कितने का बेच रहा हूं चौरा नाइनटी फोर का सही है ना तो इसकी कीमत दे रखी है आपको उसकी निकालनी है इसकी कीमत दे रखी है एटी नाइनटी फोर की निकालनी है डन अभी तो करवाया था पीछे बेटा हाँ या ना बोलो हम सब करो सब लोग फटाफट से समझ में आ रहा है सर ठीक है नेक्स्ट अगला सवाल अब यहां से बहुत अच्छे सवाल आते हैं कि इतने का बेचा इतने का लॉस हुआ कितने का बेचू इतने का प्रॉफिट हो कॉस्ट प्राइस पे अगर आपने ये कर लिया ना समझो आप इस वाले कॉन्सेप्ट को पूरा समझ गए चलो फ्रैक्शन वैल्यू निकालना पहले थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स की कैसे निकालोगे मैंने वही कहा ना आपसे कि जब तक समझ नहीं नहीं आएगा तो क्लियर होगा। का मतलब होता है 16%, 16 20. इसकी है इसकी वैल्यू होती याद रखना बहुत काम आएगी ग्यारह बटे तीस आप देखो आ जाओ स्टॉप तो आपने कहा कि पहले मेरा सीपी तीस रुपए है तो मुझे प्रॉफिट हुआ ग्यारह का तो मैं कितने का बेच रहा हूं और मैं इतने का बेच रहा हूं ऑन सेलिंग लेकिन लॉस जो हो रहा है ना यहां पे एक वर्ड लिखा है ऑन इट सेलिंग प्राइस ये आपने अगर ध्यान से नहीं देखा तो गलत होगा सर कि जो लॉस हो रहा है ना वो सीपी पे नहीं हो रहा है वो एसपी पे हो रहा है तो इस वजह से आपका सीपी तीस नहीं होगा आपका एसपी पी तीस हो जाएगा आया कि नहीं आया समझ कि आपका जो एसपी होगा वो तीस होगा प्रॉफिट उस पर ग्यारह का हुआ तो सीपी हमेशा कम होता है उन्नीस डन आया कि नहीं आया समझ में किसी एसपी तीस हुआ या कितने लोगों को समझ में आया देखो लॉस जो हो रहा है ऑन इट्स सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस पर हो रहा है ठीक है तो आपने कहा इसकी वैल्यू दे रखी है बहत्तर सौ तो जीरो से जीरो तीस बराबर बहत्तर सौ है तो जीरो जीरो तीन से चौबीस दो सौ चालीस तो उन्नीस इंटू दो सौ चालीस दिस इज योर कॉस्ट प्राइस एवरी क्लियर ये आपकी कॉस्ट प्राइस और इस कॉस्ट प्राइस पे आपको पच्चीस परसेंट का प्रॉफिट चाहिए तो अगर आपको पच्चीस परसेंट का प्रॉफिट चाहिए मतलब एक बाई चार चार में एक का प्रॉफिट चाहिए तो इसका बेटा पांच बाई चार निकाल दो इसका तो आपने सॉल्व किया अब आंसर आ जाएगा उन्नीस इंटू दो सौ चालीस का पांच बटे चार फोर सिक्स ट्वेंटी फोर छह पंजे तीन सौ उन्नीस उन्नीस सत्तावन कुछ गड़बड़ बैठ रहा है क्या एक मिनट अरे सॉरी 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 लॉस हो रहा था लौस, लौस, माफ कीजिएगा लॉस लॉस मैंने प्रॉफिट लिखा भाई माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा पूरा गड़बड़ हो गया कोई बात नहीं गुस्सा करने वाली बात नहीं है लॉस हो रहा है सॉरी लॉस हो रहा था 11 का माफ कीजिएगा लॉस था मैंने पढ़ा नहीं तो सीपी कितना हो जाएगा 41 बड़ा होता है ना तो ये हो जाएगा बेटा 41 इनटू 240 ठीक है आप सही है और आपको इसका पांचवाई चार निकालना है इस चीज का चार से छह बार छह पंजे 300 इकतालीस इंटू तीन सौ चार एकम चार चार बारह तीन एकम तीन तीन चौको बारह कल लोग ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे तो कितने लोग जिनको समझ में इसलिए मैंने क्या किया ये देखो ग्यारह बटे तीस तो ये एसपी पी है दरअसल ये लॉस है तो एसपी पी तीस से लॉस ग्यारह सीपी बड़ा होता है इसकी वैल्यू दे रखी थी एक की वैल्यू 240 41 आ गया इसी में 25 परसेंट का चाहिए तो पांच बाई चार बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन आइए नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस जब भी क्वेश्चन में लिखा होता है कि नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस इसका मतलब होता है कि जो टोटल सीपी है वो बराबर टोटल एसपी है नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस कब होता है कि जब आपका टोटल सीपी किसके बराबर है टोटल एसपी के बराबर है तो हमेशा बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो बाकी सब समझने की जरूरत नहीं है ना प्रॉफिट ना लॉस हमेशा ऐसी होगा तो दो आर्टिकल को बेच रहा हूं पच्चीस सौ रुपए की कीमत पर मतलब टोटल एक आर्टिकल है दूसरा आर्टिकल है दोनों की कीमत बराबर है पच्चीस सौ और पच्चीस मतलब दोनों की कीमत कितनी हुई पांच हजार। तो आपका जो सीपी होगा वो भी पांच हजार ही होगा तो बोल रहा है कि इफ वन पच्चीस परसेंट पे बेचा तो एक अगर आप पच्चीस परसेंट पे बेच रहे हो तो पच्चीस परसेंट का मतलब एक बाई चार बेच रहे हो प्रॉफिट तो सीपी अगर चार रुपए है प्रॉफिट हुआ एक का तो एसपी हुआ पांच तो पहला इसकी वैल्यू है पांच की वैल्यू है तो सीपी कितना हो जाएगा दो हजार सही है तो बाय डिफॉल्ट दूसरे वाले का सीपी तीन हजार हो गया क्योंकि सम इसका भी पांच इसका भी पांच तभी तो पांच मिलेगा तो दूसरे वाले को पच्चीस तीन हजार पे खरीदा पच्चीस सौ पे बेचा तो लॉस हुआ पांच का, सौ काउंट होगा तीन हजार पे छह बार चला गया जिसका मतलब होता है सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट का लॉस बताओ क्या समझ आया एक बार पूछो कि नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस का मतलब कि टोटल सीपी बराबर एसपी जितना भी सीपी है वो सारा एसपी के बराबर है बेटा हाँ या ना बोलो फटाफट से एक बार पहले तो एवरी वन फास्ट आ रहा है समझ ठीक है अब बात करते हैं शॉर्टकट की शॉर्टकट की अगर मैं बात करूं तो शॉर्टकट से क्वेश्चन बहुत आसान था कि पहले में 25% का प्रॉफिट हुआ 25% का मतलब एक बाई चार कि पहले वाले का सीपी चार रुपए है प्रॉफिट हुआ एक रुपए का तो एसपी हो गया पांच रुपए क्योंकि दूसरे आर्टिकल का एसपी बराबर था वो भी पांच ही हो जाएगा भाई तो दूसरा आर्टिकल दोनों बराबर थे ना एसपी तो पांच और पांच कितना हो गया दस टोटल तो इसका सीपी कितना हो जाएगा छ रुपए दस मिलेगा तो इसमें आपने कहा छ का खरीदा पांच का बेचा लॉस कितने का हुआ एक का तो एक का लॉस पे? ये आंसर। हो अब तो आप इसको बिना उसके भी कर सकते थे तो एक बार कमेंट करो सर थक गए क्या कुछ लोग एक बार पहले बताओ बहुत सारे लोग गायब हो गए क्यों गायब हो गए भाई अभी तो ग्यारह बजे तक तो क्लास है यार मैंने शुरू में गाना सुनाया था टना टन 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 टा और तुम लोग जो है हो गए यहाँ से नौ दो ग्यारह है तो समझो यार अभी तो प्रॉफिट लॉस शुरू हुआ अभी तो बहुत कुछ है क्या कहा मैंने देखो ये तो पच्चीस सौ था ये भी पच्चीस सौ था ये पच्चीस परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है तो ये पांच की वैल्यू है चार की निकाल दी दो हजार तीन हजार होगा क्योंकि दोनों का सम भी पांच ही होगा पच्चीस पच्चीस पांच पांच क्योंकि ना इधर प्रॉफिट ना इधर लॉस है अगर ये समझ नहीं आए तो ये समझ लो कि भाई पहले को चार का खरीदा एक का प्रॉफिट कमा लिया पांच का बेच दिया दूसरे वाले को भी पांच का ही बेचूंगा क्योंकि दोनों की एसपी बराबर है अगर पांच और पांच दस हो रहे हैं तो ये चार और छह दस हो जाएंगे तभी तो ना इधर प्रॉफिट ना इधर लॉस तो ये छह रुपए का मैंने खरीदा पांच का बेचा एक का लॉस हुआ छह पे ये आंसर तीन मिनट ब्रेक चलो इस सवाल को आओ सेम क्वेश्चन है दो घोड़े खरीदता हूं तेईस परसेंट सत्ताईस परसेंट नाइदर लॉस तो बताइए कॉस्ट क्या होगी अब क्या करोगे सिंपल सी बातें इस क्वेश्चन का जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस को आप एलिगेशन से भी कर सकते हो पहला आर्टिकल दूट दूसरा आर्टिकल तेईस का लॉस हुआ तो माइनस ट्वेंटी का प्रॉफिट हुआ प्लस का ट्वेंटी इधर प्रॉफिट ना इधर लॉस तो नेट परसेंट जीरो होगा नेट परसेंट जीरो होगा तो आपने क्या कहा वो ले लो सत्ताईस में से जीरो गया सत्ताईस, जीरो में से तेईस गया तेईस तो ये आपका क्या आ गया कॉस्ट प्राइस का रेशियो तो कॉस्ट प्राइस वन कॉस्ट प्राइस टू अब इसमें इसको बांट देना किसको इस वाले पैसे सही है जितने सवाल करा रहा हूँ उसकी पीपीटी पीडीएफ पूरी शेयर कर दूंगा मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा गाना सुना देता हूं। आपको बताओ, कौन सा गाना सुनोगे चलो अगर आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा ना जब थोड़ा सा मन हो जाए और गाना सुन लेते हैं कौन सा गाना सुनोगे बताओ सबसे बढ़िया गाना सुनाता हूं आपको मैं कॉपी राइट ना आ जाए लेट्स करेक्ट इट यही चला दो भैया वरना कॉपीराइट आ जाएगा ठीक है वरना फिर कॉपीराइट आ जाता है अगर मैं क्यों चलाऊंगा अभी मैं ट्रैवलिंग कर रहा था तो बड़ा अच्छा गाना सुना था मैंने डाला भी था वीडियो वो वाला कौन सा वाला वो बेसबरी गाना मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं ड्रा, ड्राइव करता हूँ जब भी अक्सर अच्छा। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे वो गाना लेट्स क्रैक इट ये लो भाई आ जाओ चलो थोड़ा सा गाना सुन लो फिर चलते हैं कुछ और गाना सुनाता हूं ए लेट्स क्रैकेट तो रोज सुन रहे हैं कुछ और सुनते हैं चलो कौन सा बताओ कोई बताओ कोई बढ़िया मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं भोजपुरी लगा दूं <laughs> के के रहा भोजपुरी लगा दो है ना वो कौन सा गाना था एक, एक गाना बड़ा फेमस हुआ था वो कौन सा था वो भोजपुरी वाला चल रहे हैं? <laughs> भाई पता नहीं ये? चल चलो छोड़ो बहुत इतने है। आओ हाँ लॉलीपॉप लागेलू है ना चला तू गाने को तू घर में ना करके थोड़ा मोटिवेशन आ जाएगा चलो आओ शुरू करूं चलो आजा थोड़ा मजा आ गया होगा है ना अब तो ना चलाऊं कोई गाना और है ना कि लेट्स करा किट लेट्स करा किट तो ना चलाऊ कुछ और चलो सबको मजा आ गया होगा है ना है। और जिनको लग रहा है कि थोड़ा देखो फिर वही चीज है यार पढ़ाई करते करते चलो इट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जब भी मन करे तो घर में खुद ही नाच लिया करो कोई भी गाना लगाओ नाच लो खुद ही खुद ही नाच लो घर पे बस थोड़ी सी एनर्जी आती है शरीर भी कई बार बोर हो जाता है मैं दिन भर बैठे रहता हूं तुम्हें सही तो कई बार तो क्लास में पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, मैं ऐसे हो लेता हूं ऐसे से। तो कमर कुमर भी सीधी जाती है आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि इसमें क्या है थोड़ा फ्रैक्शन का गेम है फ्रैक्शन मतलब कि पहले आर्टिकल को इतना प्रॉफिट दूसरे को इस तरीके से बेचा कि ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ तो डिफरेंस बिटवीन सीपी ऑफ बोथ आर्टिकल मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है चलो बनाओ जब सेशन एंड हो जाएगा तब गाना सुनाऊंगा बढ़िया अपनी आवाज में ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा फिर एक बढ़िया सा गाना सुनाऊंगा जो तुम कहोगे

आ जाओ बहुत प्यारा सवाल है देखो अब कॉन्सेप्ट लगाना ठीक है वही वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि एक आर्टिकल को इतने रुपए का बेच रहा हूं देखो एसपी दोनों की बराबर है तो मैं थोड़ा अगर बेसिक से करूंगा नागिन नागिन वाला हाँ, वाला डांस डांस इनको बस है ना सिलेक्शन जब होगा ना तो नागिन क्या फिर तो तुम जो है वो भी डांस करना नागिन क्या फिर तो तुम शेरनी वाला भी डांस करना और शेरनी क्या फिर तो तुम जो मर्जी वो डांस करना एक बार सिलेक्शन तो ले लो भाई मैं तो मैं आपको बताता हूँ जब तक लाइफ में सिलेक्शन नहीं है तो नागिन वाला डांस भी पता है क्या होता है ऐसा लगता है कि यार जो है बेकारी नाच रहे हैं और कोई नागिन वाला डांस करते करते बीच में आपसे पूछ लेगा ना कि भाई कितने साल से तैयारी कर रहे हो बस वो नाग फिर मन करेगा नाग बन के ढस लो इसी को एग्री और नॉट पता चला आप शादी में गए और शादी में आप नागिन वाला डांस कर रहे हो खूब नाच रहे हो बढ़िया बढ़िया स्टाइल बना बना के और कोई आके तुमसे पूछ ले कि तुम तैयारी व्यारी करते हो या कोई सिलेक्शन हो गया तुम्हारी नौकरी है भी कि नहीं है तो कैसा दिल करेगा कि काश अगर मैं सच में नागिन बनता तो मैं ढस लेता तो इसलिए एक बार सिलेक्शन ले लो फिर बहुत मजा आता है नागिन डांस करने में आ जाओ दो आर्टिकल को इतने का है एक पे पहले आर्टिकल को इतना प्रॉफिट दूसरे को इस तरीके से बेचूंगा कि ओवरऑल इस तरीके से आप थोड़ा समझते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है फिफ्टी परसेंट मतलब एक बाई दो ये एक बाई बारह या छ से मल्टीप्लाई कर लो सात बटे बारह है ना ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म आ गई अब इसकी मदद से मैं समझता हूं कि अगर पहला आर्टिकल है पहले आर्टिकल की जो मेरी सीपी है वो बारह रुपए है तो प्रॉफिट हुआ मुझे सात रुपए का तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा उन्नीस रुपए या ना बोलो हम सब ये पहला स्टेटमेंट समझ आ गया ठीक है कि भाई बारह रुपए है तो सात रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूं तो उन्नीस का बेच रहा हूं लेकिन दोनों का आर्टिकल सेम है तो सर इस वाले का एसपी भी उन्नीस ही होगा और दोनों का जो कंबाइंड एसपी हो जाएगा वो अड़तीस रुपए हो जाएगा कि उन्नीस उन्नीस अड़तीस तो इसका जो सीपी होगा वो भी अड़तीस ही होगा क्योंकि ना इधर प्रॉफिट ना इधर लॉस लिखा है जो सीपी वही एस होगा है ना कि जो सीपी वही एस होगा तो अगर सर ये बारह है तो ये वाला सीपी कितना हो जाएगा छब्बीस 26 छब्बीस 26 और बारह ही आपके अड़तीस बनेंगे इतने खरीदे इतने का बेचा लॉस कितने का हुआ भाई जितने का प्रॉफिट होगा उतने का ही तो तो लॉस होता है तभी तो ना इधर प्रॉफिट ना इधर लॉस हुआ तो बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन सीपी ऑफ बोथ आर्टिकल तो दोनों सीपी का डिफरेंस है चौदह और उन्नीस की वैल्यू दे रखी है उन्नीस की वैल्यू दे रखिए सात सौ दोनों का डिफरेंस चौदह है वो निकालना है बस कैसा लगा सवाल आया नहीं आया समझ में तो कर लोगे अब शायद अच्छा प्रवीण बोल रहे हैं बाथरूम लगी है सर जी जोर से प्लीज दो मिनट का ब्रेक दे दो यार प्रवीण तुमने ऐसी बात बोल दी ना अब तो मैं क्या कहूँ बस मैं तुम्हें ऐसे भी नहीं बोल सकता कि वहीं कर लो <laughs> तो एक काम करो इनको ब्रेक दिया जाए दो मिनट का दो मिनट का तो ज्यादा हो जाएगा तुम जाओ तुरंत धोके या तुरंत धोके आ जाओ ठीक है प्रवीण के लिए विशेष तौर पर छूट है क्योंकि प्रवीण ने लिखा है कि उनको थोड़ा दिक्कत है तो प्रवीण जाओ तुम्हारा तो दर्द मैं समझ सकता हूं मेरे भाई बहुत मुश्किल होती है वो एक पहले एक लाइन मतलब ये 2020 का सवाल है अभी मैं आपको बताता हूँ एक चुटकुला पहले हुआ करता था चुटकुला नहीं वो क्या था वो एक चुटकुला बहुत फेमस था जब मैं कॉलेज के दिनों पे था तो बोलते थे ना कि भगवान तुम्हारे कर्मों की तुम्हें ऐसी सजा दे कि भगवान तुम्हारे कर्मों की तुम्हें ऐसी सजा दे तुम्हें लगी हो जोर से और तुम्हें बैठने की जगह ना दे तो वो एक वही लाइन मेरे दिमाग में आ गई ऐसे ही बात नहीं है तुम जाओ भाई तुरंत जाओ और इतने में सब बाकी लोग सवाल करेंगे चलो आ जाओ 2020 हजार बीस एस बी आई क्लर्क में आया था शाबाश ये 2020 का एसबीआई क्लर्क का क्वेश्चन है जल्दी जल्दी करो इतने परवीन लौट के आएगा लेगा इतने में एक मिनट का ही क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था लास्ट ईयर का सवाल है। आ जाओ है तो लड्डू लेकिन जो है बहुत जल्दी खा लिया पीने बेचा क्यू को क्यू ने बेचा एस को एस ने खरीदा इतने का कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू बनाओ एक साइकिल कि पी क्यू के बाद आर नहीं सीधे ऐसे तो, तो 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 क्या करना है कि पी ने बेचा देखो मान लो कि पी ने सौ रुपए का खरीदा तो क्यू को बेच रहा है पंद्रह परसेंट पे तो एसपी कितना एक सौ पंद्रह तो इस बंदे ने जितने का का बेचा उसने इतने का खरीदा है बंद तो मतलब 10 इसका कितना हो गया भाई दस परसेंट ग्यारह पॉइंट पांच तो ग्यारह पॉइंट पांच इसने इतने का खरीदा एक सौ छब्बीस पॉइंट पांच और एस ने खरीदा इतने रुपए का तो कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू तो एस ने खरीदा इतने रुपए का तो एस की कीमत की है सॉरी एस की कीमत ये रही ना तो पच्चीस तीस तीन जीरो कितनी बार जाएगा देख लेना और कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू एक सौ पंद्रह की निकालनी है हो जाएगा थम्स 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 अप 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 ठीक है आसान था बहुत लड्डू था मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्लर्क प्री 2020 ये घर के लिए है कि गौरव ने शर्ट बेची मुकेश को मुकेश ने अपनी शर्ट बेच दी किसी और को शर्ट की क्या है कितने लोगों को बेचोगे भाई गौरव ने बेची मुकेश को मुकेश ने बेची दीपक को दीपक ने भी बेच दिया अभिषेक को और अभिषेक ने इतने रुपए की खरीदी उतने का लॉस हुआ मुकेश निकाल लोगे ये वाले सवाल का जवाब मुझे चाहिए बहुत लास्ट ईयर आया था करवा तो नहीं रहा हूं मैं क्योंकि है हो जाएगा कैसे करोगे देखो गौरव मुकेश दीपक और अभिषेक चार लोग हैं इसमें तो गौरव बीस परसेंट की मतलब बीस परसेंट मतलब सौ रुपए की है तो एक सौ बीस की बेच रहा है तो ये एक सौ बीस की खरीद रहा है मुकेश फिर मुकेश ने दीपक को इतने पे बेचा तो पच्चीस परसेंट एक चौथाई तीस का प्रॉफिट एक सौ पचास दीपक ने एक सौ पचास की खरीदी और दीपक सेल टू अभिषेक इतने का तो दीपक ने मतलब अभिषेक ने कितने आ, दीपक सेल टू अभिषेक तो एसपी कितना है छत्तीस और इतने का लॉस हुआ दस परसेंट का लॉस हुआ पंद्रह रुपए का लॉस एक सौ पैंतीस तो एक सौ पैंतीस की वैल्यू दे रखी है और मुकेश की परचेस एक सौ बीस निकाल देना ठीक है चलो थम्सअप करो एक बार सब लोग आसान है ना बहुत इजी कल मतलब कर लोगे ना कि 135 की वैल्यू दे रखी है 120 की निकालनी है डन चलो नेक्स्ट आओ खत्म हो गया क्या नहीं शुरू हुआ है आइए ये वाले सवाल बहुत आते हैं लास्ट ईयर ही पूछा गया था कि एक आदमी किताब बेच रहा इतने प्रॉफिट पर अगर वो दस परसेंट कम पर खरीदता इतने रुपए ज्यादा पर बेचता तो इतना प्रॉफिट होता तो द तो कॉस्ट प्राइस ऑफ किताब है ना ये बहुत आता है देखिए तो कैसे करोगे बीस परसेंट का प्रॉफिट बेसिक ही लगाओ कि मान लीजिए सीपी मेरा सौ है तो मेरा एसपी कितना हो गया अब अगर मैं दस परसेंट कम पर खरीदता तो अब मैं कितने पे खरीदता दस परसेंट कम नब्बे पे खरीदता तो मुझे फोर्टी परसेंट का प्रॉफिट होता फोर्टी परसेंट मतलब छत्तीस रुपए का प्रॉफिट होता तो मैं बेच कितना कितने का बेचता नौ और तीन बारह वन ट्वेंटी सिक्स का बेचता बराबर अरे बोलो यार कुछ हा ना बोलोगे तो अच्छा लगेगा कि भाई सो का खरीदा नब्बे का यहां पे दस परसेंट कम पे खरीद रहा हूं तो नब्बे पे खरीद रहा हूं एक सौ बीस मतलब एक सौ बीस यहां पर फोर्टी परसेंट का प्रॉफिट इस वाले पे इतने का बेचा तो टेक्निकली क्या कह रहा है कि अगर आपने नब्बे रुपए ज्यादा पर बेचा ये इससे कितना ज्यादा है छे बराबर नब्बे एक बराबर पंद्रह सो बराबर पंद्रह सो शेयर नहीं कर रहे हो तुम लोग ना मतलब तो साढ़े दस बज रहे शेयर कर दो आधे लोग अभी सोए नहीं है मुझे पता है ये लोग बारह बारह बजे तक तो जगते हैं क्योंकि तो जिस उम्र में तुम हो इस उम्र में मैं भी था तो जरा शेयर कर दो इनसे कह दो पढ़ लो ठीक है फोन वोन चलाना बंद कर दो वैसे जो है बहुत सारी चीजें प्राइवेट होती जा रही है तो अपने आप को सरकारी कर लो नहीं तो पता चला कल कुछ नहीं हुआ तो कल तुम्हें पता लगा कि तुम्ही को कहा तुम्हें तुम्हे भी भेज दे तो भैया नौकरी ले लो इस साल मेहनत कर लो बता रहा हूं मैं तुम्हें और जितने भी लड़के हैं उनसे तो मैं खास तौर पे कहूंगा मेहनत करो यार तुम लोग बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते पढ़ते नहीं है चलो शेयर करो तेईस चौबीस लोग थे सत्रह रह गए क्या किया मैंने सौ रुपए की कीमत थी बीस का प्रॉफिट एक सौ बीस दस परसेंट कम पे खरीद रहा है तो नब्बे का खरीद रहा है चालीस का प्रॉफिट हुआ इसी नब्बे पे छत्तीस का प्रॉफिट हुआ इतने पे बेच रहा है तो भाई ये इससे कितना ज्यादा है छह की वैल्यू एक की वैल्यू सौ की वैल्यू शेयर करो वीडियो को सर है ना और देखो फिर वही बात है एक बात बताओ एक बच्चा भी बोल रहा है सर जो है कमेंट सेक्शन में सर सोना बाबू से बात कर रहे होंगे कुछ लोग बिजी होंगे अरे एक बात बताओ मुझे थोड़ी सी सोना बाबू करने से क्या हो जाएगा जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं होगी लगेगी ना तो उनके घर वाले शादी नहीं करेंगे ध्यान रखना और अगर तुम्हें समझ में ना आए तो अभी पूछ लो जाके बोला अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो शादी नहीं होगी मैं बता रहा हूं पहले तो आधे से ज्यादा लोगों का शादी इस वजह से नहीं हो पाता क्योंकि उनकी नौकरी नहीं लग पाती और उनकी नौकरी इसलिए नहीं लग पाती क्योंकि वो पढ़ते नहीं है और चलो इमेजिन करो तुम्हारी शादी हो भी गई और तुम्हारी नौकरी नहीं है तो क्या करोगे खिलाओगे कहां से बताओ कहां से खिलाओगे घर वालों से मांगोगे खिलाओ पापा दो हजार रुपए देना वाइफ के लिए शॉपिंग करा के लानी है सोचो तुम्हारे पापा मम्मी भी क्या कहेंगे बताओ पहले बोला एक को पाल रहे थे अब दूसरे को भी पालना पड़ रहा है इमेजिन करो तुम्हारी शादी हो भी गई तो तुम कहां से उनको खिलाओगे हैं शादी के बाद बहुत खर्चे होते हैं सर बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं तो इसलिए तौर पे जब शादी तभी करना जब थोड़ा पैसे वैसे कमा लो पता चला बीवी ने कहा चलो पार्लर लेके चलो तो पापा से फोन कर रहे हैं लाओ दे दो पांच सौ रुपए इनकी वो करानी है क्या थ्रेडिंग करानी है हैं तो पहले पढ़ लो सिलेक्शन ले लो फिर जो है आपकी पूरी लाइफ सेट चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन सेम उसी फॉर्मेट पर है कि बीस का प्रॉफिट हुआ दस कम पे खरीद रहा तो पच्चीस का ये सवाल मुझे सबका जवाब चाहिए सब लोग कर भी लेंगे सेम फॉर्मेट है एक बालक बोल रहा है सर स्क्रीन शॉट लेना है अरे इतने स्क्रीन शॉट मत लेना सेशन का तुम पूरा लास्ट में रिकॉर्डिंग देख लेना आराम से आनंद सिंह बोल रहे हैं सर बीवी भाग जाएगी किसी और के साथ तो भैया नौकरी ले लो उसके बाद शादी करते रहना जाओ सबका आंसर चाहिए सिंपल क्वेश्चन था एक बार जॉब लग जाएगी फिर तुम अपनी जिंदगी के बिल्कुल मजे लेना तुम्हें भूलने वाला कोई नहीं होगा मैं तुम्हें बता रहा हूं आज ठीक है आ जाओ एक आर्टिकल बीस परसेंट प्रॉफिट तो सीपी कितना रुपए सौ रुपए बीस परसेंट का प्रॉफिट बीस रुपए का तो एस एक सौ बीस सीधा सीधा अगर आप दस परसेंट ज्यादा पर खरीदते कम नहीं बोल रहे है कि हैड ही अबाउट दस परसेंट मोर तो एक सौ दस तो 25 परसेंट का प्रॉफिट होता तो इसका 25 परसेंट मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है तो 25 परसेंट कितना हो जाएगा भाई इसका वन बाई फोर तो वन बाई फोर एक सौ दस चार दुनी आठ थर्टी फोर सेवन जा फोर फाइव आपका जो एसपी है वो कितना हो गया एक सौ सैंतीस पॉइंट पांच मार्कर को भी देखो शादी करने का मन कर रहा है चलिए नहीं रहा है आओ, क्या हो गया इसको भी सत्य देखो क्या हो रहा है इसको आज शादी के नाम से ये भी शर्मा रहा है देख लो अब तो एक सौ बीस एक सौ पॉइंट पांच कितने रुपए बढ़ा रहे हो सत्रह पॉइंट पांच तो ए, 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 इसमें कुछ है ही नहीं वो तो इसमें एक लाइन मिसिंग है बेटा इसमें वो वैल्यू मिसिंग है शायद इसमें वो वैल्यू मिसिंग है जितने के बराबर तो करके आंसर निकल जाएगा ठीक है ना कर लोगे ना इतना बड़ा है तो वो कुछ लाइन मिस हो गया इसमें कुछ अट्ठाईस रुपए देखो यहाँ लिखा है यहाँ 28. अट्ठाइस 28 मिस हो गया तो सत्रह पॉइंट पांच अट्ठाईस के बराबर है सत्रह पॉइंट पांच का मतलब होता है पैंतीस बटे दो बराबर अट्ठाईस सात से पांच बार सात से चार बार चार दूनी आठ पांच बराबर आठ सौ बराबर निकाल लेना एक सौ साठ बेस्ट चलो इसी का लेवल थोड़ा बढ़ाता हूं ये तो लेवल ये हुआ लेवल थोड़ा बढ़ाता हूं इसका देखिए ये रहा थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है मैंने लेवल का मतलब कि कि इसको डेटा को मैंने इस तरीके से रख दिया आपको कंफ्यूजिंग लगे है ना चिंता मत करो सबको भूख लग रही है मुझे भी भूख लग रही है मैंने भी खाना नहीं खाया अभी नौ बजे से मैं कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ देखो इतनी मेहनत मैं भी कर रहा हूं जबकि मुझे कौन सा सिलेक्शन चाहिए तो मेरी तो शादी भी हो रखी है तो मेरे को ऐसा भी नहीं कि मैं सिलेक्शन लेना है शादी करनी है तो इसलिए तुम लोग थोड़ा सा भूखे रह लो पंद्रह बीस मिनट की क्लास और रह रही आ जाओ चलो अब थोड़ा क्वेश्चन को समझो कि इसमें क्या है कि एक बुक सेलर है इतने का प्रॉफिट कमा रहा है साढ़े बारह कम पे बेचता इतने ज्यादा पर तो इतना अब थोड़ा गेम यहां पे क्या है ना सवाल तो बिल्कुल सेम है लेकिन जो फ्रेमिंग है जो वर्डिंग है और जो डेटा है वो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया कि क्वेश्चन करने में थोड़ी परेशानी हो रही है कोई बात नहीं इट्स डू इट इसका मतलब होता है वन बाई सिक्स तो आपने कहा कि मेरा सीपी मान लीजिए तो शिक्स ना मानके कुछ सिक्सटी टाइप का मान लो थोड़ा आसान होगा पॉइंट से कम कम राहत राहत मिलेगी या मान लो और कम हो जाएगी ठीक है तो प्रॉफिट हुआ एक मतलब सौ एक्स का क्योंकि वन बाई सिक्स में एक का प्रॉफिट हुआ तो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा सात सौ एक्स फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है अब बोल रहा है कि साढ़े बारह परसेंट कम पर खरीदता अब गेम बदल बदलेगा साढ़े बारह परसेंट कम पर इसका वन बाई एट तो आठ छप्पन, आठ पंजे चालीस सेवेंटी फाइव कम पे खरीदता तो कितने पे खरीदता पांच सौ पच्चीस कहा से आया कहा से आया सुनो ध्यान से अभी मैं छह सौ रुपए का खरीद रहा हूं अगर मैं वन बाई एट कम पे खरीदता इसका वन बाई एट एट सेवन 56 फिफ्टी सिक्स आठ पंजे चालीस सेवेंटी फाइव कम कर दिया तो जो नया वाला सीपी है वो पांच सौ पच्चीस एक्स है सही एक बार ना बोलो तो मुझे इतने का प्रॉफिट हो इतने का। इतने का। होता है इसकी फ्रैक्शन याद नहीं होगा तो सुनो फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट का मतलब होता है एक बाई सात तीन से गुना कर देंगे का मतलब होता है तीन बाई सात तो सात में तीन का प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी जो है वो इसका तीन बाई सात मतलब दस बाय सात निकाल लो थम्स अप तो एसपी कितना हो गया सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन सात पंजे पैंतीस तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो आ गया सात सौ पचास एक्स तो अब अगर आप देखोगे कि ये वाला इससे कितना ज्यादा है ये वाला पचास एक्स ज्यादा है पचास एक्स की वैल्यू कितनी है दो चालीस देखो तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक 600 तो जीरो से जीरो छह सौ की वैल्यू निकालनी है इस तरीके से आपने रख दिया पांच से बारह एक सौ बीस तो चौबीस इंटू एक सौ बीस कर लेंगे आप बारह चौबीस बारह चको अड़तालीस थोड़ा पीओ लेवल का सवाल है मजा आया कि नहीं आया एक बार हाँ या ना बोलो जिसको मजा आ गया वो लाइक कर देना बेटा वीडियो को कमेंट फास्ट कमेंट फास्ट ठीक है। एक सवाल और दे रहा हूँ इसी 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 कॉन्सेप्ट के ऊपर ये रहा सेम क्वेश्चन से बहुत प्यारा सवाल है थोड़ा लेकिन अगर आपने कर लिया थोड़ा मेंस लेवल टाइप का है कि इतने का प्रॉफिट हो रहा है इतने रुपए ज्यादा पर बेचता इतने रुपए कम पर बेचता तो इतने का लॉस होता तो बताइए सेलिंग प्राइस अगर इतने का प्रॉफिट अगर आपने ये कर दिया तो समझो दिल खुश समझते हैं बहुत अच्छा सवाल है बहुत ही प्यारा सवाल है अगर ये थोड़ा समझ में आ गया थोड़ा मेंस लेवल टाइप का है कि फ्रूट सेलर को इतने का प्रॉफिट हुआ वन बाई सेवन सीपी मैंने कहा सेवन एक्स से डायरेक्टली कर रहा हूं एसपी मेरा कितना हो गया फिर बोल रहा है कि अगर मैं तेरह रुपए ज्यादा पर खरीदता तो तेरा जोड़ दिया छब्बीस रुपए कम पर खरीदता आठ एक्स माइनस छब्बीस ये नया सेलिंग तो मुझे इतने का लॉस होता इसका मतलब होता है वन बाई सिक्स तो बेसिकली छ में एक का लॉस हुआ है ना तो जो एसपी है वो क्या है पांच बाई छ है सीपी का हाँ या ना बोलो बस ये समझ में आया कि नहीं आया बस ये स्टेटमेंट मेन था कि अगर मुझे लॉस हो रहा है तो छ में मुझे पांच का छ में मुझे एक का लॉस हो रहा है तो एसपी मेरा ये रहा तो दैट इज मैं कहूंगा एट एक्स ये मेरा पांच बाई है सात एक्स प्लस का तेरा इसके बराबर अब यहां से मैं मैं इसकी मदद से पहले इतना समझ आया नहीं आया। देखो आधे लोग चले गए सोने उनको यह नहीं पता कि सोने से कुछ नहीं होने वाला भाई आदमी वैसे डॉक्टर बोलते हैं कि आठ घंटे सोना चाहिए बट मेरा मानना है कि आठ नहीं जब तक आपका सिलेक्शन ना हो तो सही मायने में नींद आनी नहीं चाहिए है ना जब तक आप कामयाब ना हो जाओ सही मायने में नींद आनी नहीं चाहिए सर क्योंकि दोस्तों अगर आप खुद सोचो कि जीवन एक ही मिला है उसी अंक में आप सोने में गुजार दोगे चलो आ जाओ दोबारे से कि सीपी मेरा सेवन एक्स है आठ एक्स मेरा कहां से आया साथ में एक का प्रॉफिट हुआ तो मैंने कहा जो नया सीपी है वो तेरा ज्यादा है नया एसपी छब्बीस कम है तो अब जो नया एसपी है वो छह में एक का लॉस हो रहा है तो पांच बाई किया सिक्स एट जा फोर्टी एट एक्स छत्तीस छी बारह और तीन पंद्रह पैंतीस एक्स तेरह पंजे पैंसठ यहां लेके आ जाओ तेरह एक्स छह पाँच ग्यारह पंद्रह इक्कीस और एक बाईस तो एक्स की वैल्यू आ गई सत्रह तो आपने कहा यहाँ रखता हूँ तो CP कितना आ गया वन वन नाइन बट मुझे ये नहीं चाहिए मुझे इतने का प्रॉफिट चाहिए इसका मतलब होता है टू बाई सेवन सात में दो का प्रॉफिट चाहिए तो इसका नाइन बाई सेवन पूछ रहे वो डन तो सोल्व किया सात से अगेन सेवनटीन नाइन जा वन फिफ्टी तो ये वाला मत कर देना गलती से देख रहे हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था तो आपने सवाल को ना सिर्फ किया बल्कि उड़ा दिया बॉस चलो एक एक और सवाल पे चलते हैं ये वाला भी सेम है सेम क्वेश्चन है आप ट्राई करोगे अगर आपने कर लिया तो मैं मान जाऊंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया संकेत कुमार आज ही सब्सक्रिप्शन लिया है संकेत कुमार बता दूंगा बेटा परेशान मत हो ना अभी बेटा पढ़ लो बेटा संकेत अभी पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ लो अभी जाओ अगर मैं कह रहा हूं इतने का प्रॉफिट हो रहा है एक बाई छ कितना है छे एक्स एसपी मेरा कितना है अगर मैंने इतने कम का खरीदा तो मैंने इतने भी कम का बेचा तो मुझे इतने का प्रॉफिट हुआ इसका मतलब एक बाई पांच तो इसका मतलब जो मेरा एसपी है छ बाई पांच है मेरा सीपी का हाया ना बोलो तो एसपी कितना है सेवन एक्स माइनस टू एट नाइन छ बाई पांच सिक्स एक्स माइनस टू एट नाइन सॉल्व कर देना एसपी ऑफ कम्यूडिटी निकालना है सेवन एक्स तो या तो सात का मल्टीपल देख लो जो सात का मल्टीपल है ना जो भी आपको लग रहा हो सात का मल्टीपल है आप रख के सोल्व कर देना डन जो भी आंसर आएगा इट्स मूव टू द नेक्स्ट ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आज के बाद तो आज के बाद ये वाला कॉन्सेप्ट अगर एग्जाम में आया तो कर लोगे लो आता है इतने रुपए में इतने तो इतने रुपए में कितने ये बहुत आता है देखो अगर आप इस सवाल को समझो थोड़ा अच्छा लगेगा कि बाय सेलिंग बत्तीस एप्पल देखो अगर मैं बत्तीस एप्पल बेच रहा हूं कितने रुपए में तीस रुपए में तो मुझे पच्चीस परसेंट का लॉस होता है अब एक से समझो अभी आप इतना मत दिमाग में रखो अपने आप ये समझो कि ये आपको क्या गिवन है एसपी आप एप्पल एप्पल सब छोड़ दो एप्पल एप्पल सब गए तेल लेने आप अपना दिमाग वहीं रखो जो आपने सीखा है कि आपने कहा कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो तीस रुपए है तो अगर ट्वेंटी का लॉस हो रहा है मतलब एक बाई सीपी चार है एक का लॉस हुआ तो एसपी कितना हो गया तीन तो इसका मतलब बत्तीस एप्पल की जो सीपी है आप वो बताओ मुझे कि भाई तीन की वैल्यू तीस चालीस हो गया डन दिस पॉइंट ये गिवन था ये स्टेटमेंट गिवन था कि बत्तीस एप्पल इतने रुपए के बेच रहे हो ट्वेंटी फाइव परसेंट का लॉस हो रहा है जिसका मतलब होता है वन बाई फोर की ये सीपी है एक का लॉस हुआ एसपी हो गई तीन रुपए तो मैंने कहा ये तीन की वैल्यू है चार की वैल्यू चालीस तो होगा पूरा अब मुझे ये सब जाओ, सब भूल भूल जाओ जाओ ट्वेंटी परसेंट का प्रॉफिट चाहिए तो ट्वेंटी परसेंट का प्रॉफिट चाहिए तो बत्तीस एप्पल ट्वेंटी परसेंट का प्रॉफिट चाहिए सीपी पे काउंट होता है इसका अड़तालीस रुपए के बेच रहा हूं है ना भाई बत्तीस एप्पल मैंने तीस के खरीदे बेचे सॉरी तो मैंने सीपी निकाल दिया मतलब मुझे, मुझे वैल्यू पे निकलता है क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है हम रुपए पे मतलब रखेंगे तो मैंने कहा तीस का मैंने बेचा तो चालीस आ गया कैसे आ गया वो मैंने समझा दिया चालीस में बीस का प्रॉफिट हुआ तो अड़तालीस का तो अब आपने ये कहा कि अड़तालीस रुपए में आप इतने बेच रहे हो ये एसपी है कि बत्तीस एप्पल अड़तालीस में बेच रहे हो तो चौबीस रुपए में कितने बेचोगे आधा चौबीस रुपए में उसको आधे एप्पल मिलेंगे सोलह एप्पल बस हिरहाल सर तो इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी लगानी थी बताओ एवरीवन फास्ट मजा आ रहा है तो कि भाई बत्तीस रुपए में तीस बेच रहा है ना वो तो आपने कहा ठीक है तो बत्तीस एप्पल कितने खरीदे चालीस के अगर चालीस में बीस का प्रॉफिट कमाता तो बत्तीस एप्पल अड़तालीस के बेचता जब अड़तालीस रुपए में बत्तीस बेच रहा है तो चौबीस में आधे बेचेगा चलो एक सवाल और देता हूं और अच्छा समझ आएगा आओ ये देखो सोलह रुपए में बाय सेलिंग एट सोलह रुप सोलह एट रुपीज वन मतलब सोलह बनाना एक रुपए के तो चालीस का लॉस तो एक रुपए में कितने बेचे बीस का आप सिंपल वही कॉन्सेप्ट लगाओ सेम डिक्टो बिल्कुल बस डेटा चेंज है आपने कहा सोलह बनाना एक रुपए के एक रुपए का मतलब हंड्रेड पैसे तो इसमें ये एसपी है तो लॉस कितने का हो रहा है फोर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट का मतलब टू बाई फाइव तो आपने कहा सीपी अगर पांच है तो लॉस हो रहा है दो का एसपी हो गया तीन तो ये तीन की वैल्यू है अभी आप कॉन्सेप्ट को समझो मैं हमेशा बोल रहा हूं सोलह में एक रुपए में देखो बाईस देखो एक रुपए में सोलह के लिए सोलह बनाना सौ पैसे एक रुपए भी लिख सकते हो कंफ्यूज मत ठीक तो तो है तो आपने एक रुपए तो पांच की वैल्यू निकालनी तो सोलह बनाना कितने रुपए की आपने खरीदे ये खरीदे आपने पांच बाई तीन रुपीज के सही है ना कैसे किया समझ आ गया ना कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को कि भाई एक रुपए मेरा एसपी है देखो फिर से देखो ये देखो ये मेरा एक रुपए है जो कि मेरा एसपी है फोर्टी परसेंट का मतलब होता है टू बाई फाइव तो नीचे वाला सीपी इतने का लॉस हो रहा है तो एसपी हो गया तीन रुपए तो एक जो है ना वो तीन की वैल्यू है पांच की निकालनी है तो ये हो जाएगा मेरा पांच बाई तीन रुपए सीपी ठीक है और मुझे इसी में क्या चाहिए बीस परसेंट का प्रॉफिट बीस परसेंट का मतलब एक बाई पांच पांच में एक का प्रॉफिट चाहिए तो सोलह बनाना बाई तीन इसमें कितने का प्रॉफिट पांच में एक का बाई पांच से पांच कटे तो इसका मतलब दो रुपए की कितने बनाना बेच रहा है वो सोलह तो पूछ रहा है कि कितने रुपए में एक रुपए में कितने बेचेगा तो दो रुपए में सोलह बेच रहा है तो एक रुपए में कितने हो गए आठ बनाना बेच रहा है वो बेस्ट है ना ठीक है वही कॉन्सेप्ट था कि देखो जो कॉन्सेप्ट मैंने पीछे बताया से में चेंज नहीं है कि 32 एप्पल इतने में 32 एप्पल का सीपी 32 एप्पल का एसपी और डिवाइड बाय दिस सेम कॉन्सेप्ट 16 बनाना इतने रुपए के 16 बनाना का सीपी निकाला उस सीपी में आपको 20 परसेंट का प्रॉफिट चाहिए एक बाई पांच छह बाई पांच ये आपका एसपी आ गया दो रुपे. तो दो में आप सोलह बनाना बेच रहे हो लेकिन आपको दो में नहीं बेचने आपको एक रुपए में बेचने तो जब दो रुपए के सोलह बेच रहा हूं तो एक बहुत सवाल होमवर्क के, हूं के लिए आगे इसको पढ़ाऊंगा फिर कभी ठीक है अगर किसी बच्चे को मुझसे मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया समझ में आता है कि अरुण सर आपका पढ़ाया अच्छा है आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे इस तरह के कोर्सेज के लिए

अभी फिलहाल अर्थमेटिक चल रहा है इस कोर्स पे फिलहाल अभी अर्थमेटिक चल रहा है बच्चे इस वाले कोर्स पे ठीक है आप बच्चों से इसका फीडबैक ले सकते हो मेरे कुछ नहीं करना है आपको इस कोर्स को देखने के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पे चले जाना गेट सब्सक्रिप्शन पे चले जाना आप कहा गया थोड़ा टाइम लगा रहा है आप बच्चों से पूछो इसका फीडबैक जो बच्चे यहां पर मौजूद हैं और आपके पास में कोर्स खरीदने के लिए पूछेगा तो आप बारह महीने का चूज करना रेफरल कोड डाल देना तो डिस्काउंट मिल जाएगा ए वी पी वन जीरोना दस परसेंट को ऑफ मिल गया देन प्रोसीड टू पे फिर और डिस्काउंट भी मिलेगा रुक जाओ यहां पर आपके कुछ पॉइंट्स होंगे अगर देख लेना अगर है तो नहीं है तो कोई बात नहीं यहां पर आपके कुछ पॉइंट्स होंगे यहां पे इसको भी मैं रिडीम कर लेता हूं देखो अभी कितनी फीस दिखा रहा है अट्ठावन दिखा रहा है अभी मैंने रिडीम कर लिया पचपन सौ तिरपन रुपए बस अब मैं इसको पे कर दूंगा और एक साल के लिए आपको अन अकेडमी के जितने एजुकेटर हैं सबकी क्लास दिखेगी प्लस मैं मिलूंगा विशाल सर पुनीत सर सारे मिलेंगे कैसी लगी पार्ट वन एक बार कमेंट कीजिए फटाफट से सब लोग मजा आया कि नहीं आया सर कमेंट फास्ट ठीक है रेफरल कोड लगाना मत भूल जाना डिस्काउंट मिल जाएगा ए वीपी वन जीरो एवीपी टेन तो छह सौ सत्रह रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा ध्यान रख लेना कि कितना फायदा हो रहा है आपका ठीक है चलिए तो इसी के साथ में सेशन को करूंगा समाप्त बट उससे पहले यह सवाल इसका स्क्रीन शॉट खींच इसका जवाब मुझे होमवर्क में चाहिए और आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट आपको बताना है प्लस आपको फीडबैक देना है सेशन का आज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है मजा आया बेसिक से मैंने समझाया मेरी पूरी कोशिश ये थी कि आपको मैं पूरा प्रॉफिट लॉस करवा पाऊं ठीक है लेकिन हो नहीं पाया कोई बात नहीं विल कंटिन्यू दिस सेशन तो मजा आया एक नंबर सेशन लाइक किया बहुत लोगों ने अच्छा भी लगा काफी दो घंटे देखो पता ही नहीं चले कैसे निकल गए बैक टू बैक मैंने कोई ब्रेक भी नहीं लिया और मजा आया काफी और जैसे कि मैं आप लोगों से कह रहा हूं देखो यार कि जब टीचर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो आपको भी करनी चाहिए है ना तो दो घंटे आप देख सकते हो मैं आप जाऊंगा खाना खाऊंगा फिर उठूंगा सुबह मेरी फिर आठ बजे क्लास है आर एस अग्रवाल वाली है ना उसको मैं सुबह रखने की सोच रहा हूँ तो यार इतनी मेहनत अगर मैं कर रहा हूं तो क्या रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए आपका सिलेक्शन होना चाहिए सिलेक्शन होने के बाद बस आपसे कुछ नीचे एक मिठाई का डब्बा भिजवा देना और कुछ नीचे क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूं सर हम लोग भी इसलिए मेहनत करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा जीवन दुनिया गोल है कब हम एक दूसरे के सामने आ जाए कुछ नहीं कोई नहीं जानता लेकिन जब आप मेरे को फेस करोगे या मैं आपको फेस करूंगा तो आपके चेहरे पे खुशी होगी कि सर मैंने आपसे पढ़ाई करी थी और आज मेरा सिलेक्शन हो गया जब आप मुझे यह बताओगे तो मेरे चेहरे पे उससे ज्यादा खुशी होगी बस दुनिया इसी खुशी के पीछे भाग रही है अंत में समझ लो कि यही सब कुछ है है ना तो जो वो फीलिंग है ना वो कहीं नहीं है सर कि आपकी मेहनत से किसी और का कुछ काम बन रहा है लोग मेहनत अपने लिए करते हैं दरअसल हर आदमी अगर कोई भी मेहनत कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है यहां पर अगर थोड़ी सी मेहनत मेरी करने से आपका सिलेक्शन अगर हो रहा है तो शायद वो खुशी मुझे मिल रही है और कहते ना कि आप वो मेरा हमेशा पर्सनली ये मानना है कि लोग बोलते हैं भगवान मंदिर में होते हैं मेरा मानना है भगवान तो इंसान के अंदर होता है सही बात है क्योंकि हमने भगवान को नहीं देखा इंसान को देखा है देखो ये हाथ पैर अपने आप काम कर रहे हैं कुछ है हमारे अंदर जो अपने आप काम कर रहे हैं अपने आप बोल रहा हूं अपने आप सोच पा रहा हूं तो अगर मैंने उस इंसान को खुश कर लिया मेरी वजह से उस इंसान का सिलेक्शन हो गया तो वो भगवान मेरा जो ऊपर वाला है वो अपने आप खुश हो गया डन मजा आया सर एक सॉन्ग सुना दो यार सॉन्ग कौन सा सुनाओ देखो मुझे वैसे तुम्हें सही बताऊं एक किस्सा सुनाता हूं तुम लोग हंसना मत बट ये सच्चाई है जो है मेरी जो आवाज़ इतनी ख़राब है पहले जब मैं स्कूल में था आठवीं तक की बात बताता हूं तुमको तो मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ जब मैं स्कूल में था आठवीं क्लास तक मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ एक बार हमारे जितने भी हमारे प्रोग्राम होते थे तो मैं सब में पार्टिसिपेट करता था मुझे बहुत अच्छा लगता था पार्टिसिपेट करना जितने भी वो कल्चरल एक्टिविटी वाले प्रोग्राम होते हैं तो एक बार जितने भी सो मतलब छब्बीस जनवरी पंद्रह अगस्त सब में मैं पार्टिसिपेट करता था तो एक गाना मैंने याद किया हुआ था वो बहुत चलता था उन दिनों जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा तो मेरे को ऐसा भ्रम था कि मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ आठवीं क्लास में हमारे म्यूजिक टीचर आए तो हमारे जब म्यूजिक टीचर आए तो उन्होंने कहा कि अब हम सुरताल पकड़ेंगे जिसकी सुरताल अच्छी होगी वही पार्टिसिपेट करेगा अदरवाइज कोई नहीं करेगा तो उन्होंने मुझे बुलाया बोला कि तुम यार हर बार पार्टिसिपेट करते लो तुम्हारी सुर और ताल चेक करें तो सर जैसे इन्होंने मेरी सुर और ताल चेक करी फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी सुर और ताल इतनी खराब है बोला तुम जीवन में कभी गाना मत गाना बाकी सारे काम करना बस तब वो दिन था आज का दिन है मैंने फिर कभी गाना नहीं गाया क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि जितनी भारी और मोटी मेरी आवाज़ है तो ये गाने में तो अच्छी हो नहीं सकती हाँ लेकिन एक दिन इस आवाज़ को दुनिया ज़रूर जानेगी किसी और रूप में तो मेहनत थी और देखो आज ऐसा नहीं कि लोग मुझे गाने की वजह से जानते हैं आज लोग मेरी आवाज़ को जानते किसी और तरीके से तो ये मोटिवेशन भी और फनी स्टोरी भी है जो भी आप समझ सकते हो तो बस वो दिन था और आज का दिन है तो जब भी कोई मुझे गाने के लिए बोलता है ना तो मुझे बस वो वाली बात याद आ जाती है तो इसलिए मैं कभी गाना नहीं गाता हूँ तो गाना गाने के अलावा कोई और काम तुम बोल दो कहो तुम नाच लो सर तो नाचना भी मुझे आता नहीं सही बताऊं तुम्हें तुमने देख ही लिया होगा है ना हाँ लेकिन मैं डांस कर लेता हूँ नाच नहीं पाता हूँ <laughs> चलो तो आज के लिए इतना ही सेशन को एंड करेंगे मोटिवेशन सॉन्ग अपने मन का जो मर्जी वो सुन लो और मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो कई बार मोटिवेशन सॉन्ग सुन के किसी किताब को पढ़ के या किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के नहीं आता सर मोटिवेशन हमेशा अंदर से आता है पता है जब हम रात को सोते हैं ना तो हमें हमेशा लगता है कि आज के दिन हमने कुछ किया जब हम सुबह उठते हैं ना तो हमें लगता है कि आज के दिन हम कुछ करेंगे एक मोटिवेशन है ये कोई आपके अंदर भर नहीं सकता मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो आदमी को खुद से आती है आप देखते दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं जो महान काम करते हैं दुनिया में कुछ ही लोग हैं जो महान काम करते हैं सही बात है सारे लोग नहीं कर पाते ना सौ में से दस ही लोग होते हैं जो कुछ अलग करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं उसके पीछे भागते हैं मेहनत करते हैं तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप नब्बे में हो या दस में हो तो अगर आप दस में हो तो भाई आपकी लाइफ अच्छी है ठीक है सर आई होप काफी अच्छा लगा मुझे भी आज का सेशन दो घंटे बैक टू बैक मैंने भी पढ़ाया मतलब मैं भी अपनी एनर्जी चेक कर रहा था कि कहीं मैं बूढ़ा तो नहीं हो गया इतने टाइम तो पढ़ा पढ़ा के दो घंटे पढ़ा पाऊंगा नहीं पढ़ा पाऊंगा तो आज लगा मुझे कि शेर अभी जो है शिकार करना नहीं छोड़ा है चलो थैंक यू सो मच ऐसी दो दो घंटे की क्लास तीन तीन घंटे की क्लास मैं आपकी लेता रहूंगा अगले फ्राइडे के लिए आप टॉपिक बता देना क्या रखूंगा ठीक है सबसे अच्छा मोटिवेशन वही है यार कि आप अपने आप को बेहतर ठीक है चलो बाकी कोई सॉन्ग सुनना हो तो मन अभी चला दूंगा मैं लेट्स क्रैक और भी कोई मन करे तो मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है मतलब मैं तो नॉर्मली आपको बताया भी था मैंने कि ड्राइव करते समय यही सुन लेता हूं अच्छा लगता है मुझे भी काफी और काफी इंस्पिरेशन करता है मैं आपको सुना भी देता हूं कब कॉपीराइट ना आ जाए मतलब इसकी लिरिक्स मुझे बहुत सही लगती है दस्ते गारे, दस्ते गारे, कुछ और बस बहुत है आज के लिए बाकी तुम खुद सुन लोगे समझदार हो तुम है ना ठीक है तो कभी कभी सुन लिया करो अच्छा होता है समटाइम्स माइंड को भी एक रिफ्रेशमेंट मिल जाता है और बाकी तो देखो यार मैं यही कहूंगा जिंदगी है दोस्तों मेहनत करो हम लोगों को लगता है अक्सर मैं आपको बताता हूँ कि यार एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो शायद लाइफ सेट हो जाएगी बट ऐसा होता नहीं है सर जिंदगी में हर दिन भागना होता है जैसे आप ऐसे समझ लो हर दिन एक लाइन मैंने कहीं सुनी थी मैं वही चेप रहा हूँ मेरी खुद की नहीं है <laughs> कि हर दिन सुबह सुबह उठ के एक शेर सोचता है कि आज इतनी रफ्तार से भागूंगा कि एक हिरण का शिकार करूंगा एक शेर जो होता है जंगल का राजा सुबह उठता है तो सोचता है कि आज इतनी रफ्तार से भागूंगा कि आज मुझे एक हिरण का शिकार करना ही करना है हर दिन सुबह एक हिरण जब उठता है तो वो ये सोचता है कि आज इतनी रफ्तार से भागूंगा कि आज मेरा शिकार ना हो तो इसका अर्थ है कि भागना हर किसी को है चाहे वो शेर हो चाहे वो हिरण हो तो अगर आप शेर हैं तो भी आपको भागना पड़ेगा अगर आप हिरण हैं तो भी आपको भागना पड़ेगा एक भागता है अपने जीवन को बचाने के लिए एक भागता है अपना जीवन बनाने के लिए तो आप शेर हो चाहे हिरन हो आपको भागना जरूर पड़ेगा तो दोनों हिस्सों में भागना जरूरी है अगर नहीं भागोगे तो फिर वही बात है आप पीछे रह जाओगे अब ये कौन सी मूवी का डायलॉग था आप लोग बता देना वैसे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है देखो कि ये जो ये जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जवाब दिया ना सर इस मूवी का है ये इस बात का सबूत है इस बात का प्रमाण है कि तुम लोग कितनी फिल्में देखते हो है ना जिन्होंने इसका जवाब दिया है ना ये इस बात का प्रमाण है कि कितनी फिल्में देखे और कितनी फिल्मों के डायलॉग भी याद है अगर अभी पूछ लू ये सवाल अरे सर वो तो उड़ गया दिमाग से चलो थैंक यू सो मच गुड बाय साथियों लाइक कर देना शेयर कर देना थैंक यू मोटिवेशन सॉन्ग चला दे रहा हूं वो चला देता हूँ सचिन वाला है ना वो अच्छा है लेट्स क्रैकेट चला देता हूँ वही सुन लो रात में चलो When we shall redeem our pledge, India will awake to life and freedom Chal uthja Let's crack <speaking> it <in> Zor de <foreign> laga <language> Let's crack it Khed bu chhoda है ये बात परीक्षा करनी है रखना अपनी सास अपनी एक ही आस एक सारे मंत्र और रख ले सारे फॉर्मूले जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले तो इस बार तू आड़ दे छह फुट अंदर काट दे आसमां को फाड़ दे से दहाड़ दे अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है जोर लगा, तो जोर, लगा। जोर लगा तो जोर लगा लड़ जरा कुछ कर दिखा लड़ जरा कुछ कर दिखा जोर लगा तो जोर लगा लड़ जरा कुछ कर दिखा तू काने बड़ी इनकी भोकते बड़ा भारी है है पकवान इनका शिक्षा के व्यापारी है एक नंबर तेरा काम फीस यहाँ ज्यादा है तू बाकी से पीछे है तू देख कितना नीचे है बाप का सिक्का चलता है तेरा बाप बोता सिक्के है बस सुनेंगी सुनेंगी तुम बढ़ता जा बस लड़ता जा क्रैक करते जा क्रैक करते जा जोर लगा तो जोर लगा लड़ जरा कुछ कर दिखा बेटा सिस्टम का ये जोर तेरे हाथ पे ये सब कोर्स तू है भटकावा दो गोल कहते कि तू बस ये दुनिया मौका तेरे पास में है जा, लड़ते जा, जा। हिम्मत नहीं हार सबको करके दिखा क्या तेरा भाई तेरा दोस्त उसे बोल रहा